वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिन तारणम् वाचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का उपदेशामृत अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे उपदेशामृत का अध्ययन। आज हम देखेंगे वैसे श्लोक संख्या 3 से, और ये दिव्य उद्गार दिव्य उद्गार ना उपदेशामृत में दिव्य उपदेश, और ये सारे उपदेश हमें हमारे फिर से भौतिक जीवन में भी बहुत लाभदायक है, अत्यंत ही लाभदायक है, और विशेष करके आध्यात्मिक जीवन और साधक जीवन में हमारा एक समय ऐसा आना चाहिए जब जीवन ना एक ही बन जाए, कोई सेपरेशन नहीं रहे। जैसे देखिए अर्जुन ने युद्ध किया ना, अब युद्ध के समय अर्जुन के कोई ऐसा सेपरेशन नहीं था ना कि ये मैं अपनी एडमिनिस्ट्रियल ड्यूटी कर रहा हूँ या अपनी ये पॉलिटिकल ड्यूटी निभा रहा हूँ मैं, ये अपने राजनीतिक या राजा का कर्तव्य अभी मैं निभा रहा हूँ। अलग अलग मुखौटे हम पहनेंगे ना तो बहुत गड़बड़ होगी भाई, भयंकर गड़बड़ होगी फिर अगर हमने अलग अलग मुखौटे पहने। जैसे क्या कि कभी हम ये बन रहे हैं आपके समझो स्टूडेंट, कभी स्टूडेंट का मुख पहना हो, कभी हम बिजनेसमैन, कभी हस्बैंड कभी वाइफ कभी क्या, और फिर कभी डिवोटी। चेहरा नहीं, चेहरा एक ही हमारा। हाँ ठीक है, बाहरी रूप से हम सब जगह वैसे नहीं जा सकते। जैसे समझो ऑफिस की मीटिंग, अब ऑफिस के मीटिंग में थोड़ी ना ऐसा कि कौन है भाई, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ या इस हिसाब से वो चलेगा नहीं। तो बाहरी व्यवहार में, घर परिवार समाज में, व्यवहारिक जीवन में ठीक है हम व्यवहार उस हिसाब से ही रखें, लेकिन अंदरूनी भाव हमेशा हमारा रहना चाहिए क्या कि हम भगवान के नित्य प्रेमी दास है, नित्य प्रेमी सेवक है, और इस भाव को और से और पुष्ट करना है। देखिए जब भी कभी 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 बहुत रफ टाइम, बहुत बिजी टाइम रहता है सभी के लिए, तो इतना समय नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी जपा करना ही चाहिए और थोड़ा अध्ययन श्रवण करना चाहिए, और जब रिलैक्स्ड हो सब कुछ तो खूब से खूब अध्ययन श्रवण करें और रेगुलर एक डिसिप्लिन बना के और खूब अपने आप को बढ़िया से साधु संघ में रखें। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो आइडेंटिटी है ना, जो हमारी पहचान है, उसमें हमें अपने आप को एकदम फर्मली सिचुएट करना है, हमारी वास्तविक पहचान में, हमारे वास्तविक पहचान में, आइडेंटिटी में, सब तरीके से हमें अपने आप को बहुत बहुत अच्छी तरह से सिचुएट करना है। तो उसके लिए बहुत अभिनिवेश चाहिए, बहुत डीप एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। संसार में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे क्या, बहुत मान भी मिलेगा और बहुत अपमान भी मिलेगा दोनों। देखिए भले ही समझिए, एक तो अंदरूनी व्यवहार से हम कितना ही इंटरनल कृष्णा कॉन्शियस हमारा कितना ही डीप जा रहा हो, फिर भी संसार पीछा नहीं छोड़ेगा, सत्य बात है। कितना ही हम डीप जा रहे हो समझो, भले ही बहुत हम रेगुलेटेड जीवन, रेगुलेटेड साधना, अपने आप को कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, हम्बल बना के रख रहे हैं सब कुछ, फिर भी ये संसारी मान भी नहीं छोड़ेगा और संसारी अपमान भी नहीं छोड़ेगा। और हमारा स्वभाव इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है स्वभाव को बदलना, बट जो कुछ भी हो वी ऑलवेज हैव टू टेक इट इन कृष्णा कॉन्शियस स्ट्राइड एंड वी हैव टू मेक एफर्ट्स, वी हैव टू मेक एफर्ट्स। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हमारा हमेशा प्रयत्न बना रहे रोज, भले कैसा ही दिन जा रहा हो हमारा, लेकिन नाम जप श्रवण अध्ययन चलता रहे और हम फिर अपने जीवन को उसी तरह से ढालें।
अपने जीवन शैली को, अपने जीवन को हम उसी हिसाब से हम पूरा का पूरा ढालें कि हमारा नाम जप और सब कुछ हम कर पा रहे हैं इत्यादि, उसी हिसाब से हम अपने जीवन को ढालें, हमारी पढ़ाई लिखाई, व्यापार, खाना पीना, सब कुछ, कि ये हमें भगवान की सेवा में आगे से आगे लेके जा रहा है। और एक पड़ाव आएगा जीवन में, एक समय आएगा क्या, जब हम वास्तव में भजन में ही जुड़ेंगे, भजन में ही जुड़ेंगे, भजन के हिसाब से ही पूरा का पूरा। तो इसी आशा अभिलाषा प्रार्थना के साथ हम अपने उपदेशामृत के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा श्लोक देखते हैं। उत्साह निस्सह धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत सतो वृत्ते सद्वीर भक्ति प्रसिद्यति। निखिल अनुवाद पढ़िए, अर्षा तात्पर्य पढ़िएगा। आवाज नहीं आ रही है निखिल। हाँ अच्छा, आपको आ रही है क्या आवाज निखिल की? नहीं, हरे मुझे कृष्ण। आवाज तो नहीं आ रही है। हाँ भाई निखिल, आप पढ़ो। देर आर सिक्स प्रिंसिपल्स फेवरेबल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। फर्स्ट, बीइंग एंथुजियास्टिक। सेकंड, एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस। थर्ड, बीइंग पेशेंट। फोर्थ, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स सच एज श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। फिफ्थ, अबेंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। एंड सिक्स, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यज। दीज सिक्स प्रिंसिपल्स अनडाउटेडली अश्योर द कंप्लीट सक्सेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। हर्षा निखिल शेयरिंग एंड रीड तात्पर्य इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। In all phases of life, one has to perform devotional activities under the direction of the spiritual master in order to attain perfection in bhakti yoga. It is not that one has to confine or narrow one's activities. Krishna is all-pervading. Therefore, nothing is independent of Krishna, as Krishna himself states in Bhagavad Gita 9.4. माया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्तनी सर्वभूतानि नाचहं तेस्व अवस्थिता। हरिबोल। बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड।
All beings are in me, but I am not in them. Under the direction of the bona fide spiritual master, one has to make everything favorable for Krishna's service. For example, at present we are using a dictaphone. The materialist who invented this machine intended it for businessmen or writers of mundane subject matters. He certainly never thought of using the dictaphone in God's service. But we are using this dictaphone to write Krishna conscious literature. Of course, the manufacture of the dictaphone is wholly within the energy of Krishna. All the parts of the instrument, including the electronic functions, are made from different combinations and interactions of the five basic types of material energy, namely Bhumi, Jal, Agni, Vayu, and Ax. The inventor used his brain to make this complicated machine, and his brain, as well as the ingredients, were supplied by Krishna. According to the statement of Krishna, Matsthani Sarva Bhutani, everything is depending on my energy. Thus, the devotee can understand that since nothing is independent of Krishna's energy, everything should be dovetailed in his service. Endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness is called utsaha or enthusiasm. The devotees find the correct means by which everything can be utilized in the service of the Lord. Nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchyate. The execution of devotional service is not a matter of idle meditation, but practical action in the foreground of spiritual life. Nikhil Prana. Hare Krishna. These activities must be executed with patience. One should not be impatient in Krishna consciousness. Indeed, this Krishna consciousness movement was started single-handedly, and in the beginning there was no response. But because we continued to execute our devotional activities with patience, people gradually began to understand the importance of this movement, and now they are eagerly participating. One should not be impatient in discharging devotional service, but should take instructions from the spiritual master and execute them with patience. Depending on the mercy of Guru and Krishna, the successful execution of Krishna conscious activities requires both patience and confidence. A newly married girl naturally expects offspring from her husband, but she cannot expect to have them immediately after marriage. Of course, as soon as she is married, she can attempt to get a child, but she must surrender to her husband, confident that her child will develop and be born in due time. Similarly, in devotional service, surrender means that one has to become confident. The devotee thinks, Avashya Rakshive Krishna. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of devotional service. This is called confidence. As already explained, one should not be idle, but should be very enthusiastic about executing the regulative principles. Tat tat karma
pravartana, neglect of the regulative principles will destroy devotional service. In this Krishna consciousness movement, there are four basic regulative principles: forbidding illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. A devotee must be very enthusiastic about following these principles. If he becomes slack in following any of them, his progress will certainly be checked. Srila Rupa Goswami therefore recommends tat tat karma pravartanat. One must strictly follow the regulative principles of Vaidhi Bhakti. In addition to these four prohibitions, yam, there are positive regulative principles, niyam, such as the daily chanting of 16 rounds on Jap Mala beads. These regulative activities must be faithfully performed with enthusiasm. This is called tat tat karma pravartana, or varied engagement in devotional service. Furthermore, in order to be successful in devotional service, one must give up the association of undesirable people. This includes karmis, gyanis, yogis, and other non-devotees. Once Sri Chaitanya Mahaprabhu was asked by one of his householder devotees about the general principles of Vaishnavism, as well as the general routine activities of the Vaishnava. And Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately replied, Asat Sangha Tyag, A Vaishnava Achara. Characteristically, a Vaishnava is one who gives up the association of worldly people or non-devotees. Srila Narottam Das Thakur has therefore recommended Tandera Charna Sevi Bhakta Sane Vas. One has to live in the company of pure devotees and execute the regulative principles laid down by the previous Acharyas, the six Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Raghunath Goswami, Raghunath Das Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, and Sri Raghunath Bhatta Goswami. If one lives in the association of devotees, there is little chance of associating with non-devotees. The International Society for Krishna Consciousness is opening many centers just to invite people to live in the company of devotees and practice the regulative principles of spiritual life. Devotional service means transcendental activities. On the transcendental platform, there is no contamination by the three modes of material nature. This is called Vishuddha Sattva, the platform of pure goodness, or goodness free from contamination by the qualities of passion and ignorance. In this Krishna consciousness movement, we require everyone to rise early in the morning by 4 a.m. and attend Mangala Aarti or morning worship, then read Srimad Bhagavatam, perform kirtana, and so forth. Thus, we hold continuous activities in devotional service 24 hours daily. This is called satovritti, or following in the footsteps of the previous acharyas who expertly filled every moment of time with Krishna conscious activities. Karthikarid. Hare Krishna Prabhu, just give me a second. Can you please, Prabhuji, guide from where should I read? If one strictly follows the advice. If one strictly follows the advice given in this verse by Srila Rupa Goswami, namely being enthusiastic, being confident, being patient, giving up association of unwanted persons, following the regulative principles, and remaining in the association of devotees, one is sure to advance in devotional service. In this regard, Srila Bhakti Siddhanta Swami Saraswati
Thakura remarks that the cultivation of knowledge by philosophical speculation, the collection of mundane opulence by the advancement of fruitative activities, and the desire for yoga siddhis, material perfections, are all contrary to the principles of devotional service. One has to become thoroughly callous to such non-permanent activities. And Prabhuji, I'm sorry to like interrupt, but I'll have to hang up. I'm getting a call repetitively. Sure. I'm sorry. Nikhil, padho. One has to become thoroughly callous to such non-permanent activities and turn his intention instead to the regulative principles of devotional service. According to Bhagavad Gita 2.69, Ya nishya sarva bhutanam tasyam jagrati samyami sanyami yasyam jagrati bhutani shar nishay pashyato mune. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled. And the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. Engagement in the devotional service of the Lord is the life and soul of the living entity. It is the desired goal and supreme perfection of human life. One has to become confident about this, and one also has to be confident that all activities other than devotional service, such as mental speculation, fruitive work, or mystic endeavor, will never yield any enduring benefit. Complete confidence in the path of devotional service will enable one to attain his desired goal, but attempting to follow other paths will only succeed in making one restless. In the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, it is stated, one must be calmly convinced that those who have given up devotional service to engage in severe austerities for other purposes are not purified in their minds, despite their advanced austerities, because they have no information of the transcendental loving service of the Lord. It is further stated in the 10th canto, although mental speculators and fruitive actors may perform great austerities and penances, they still fall down because they do not have information about the lotus feet of the Lord. The devotees of the Lord, however, never fall down. In Bhagavad Gita 9.31, the Supreme Personality of Godhead assures Arjun, Kaunteya pratijanahi name bhakta pranashyati. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Karthi, kya padh paoge kya? Haan ji, Prabhuji. Again in Bhagavad Gita 2.40, Krishna says, Neha Bikrama Nasosti Pratyavayo Navidyate Svalpam Apyasya Dharmasya Trayate Mahato Bhayat. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from most dangerous types of fear. Devotional service is so pure and perfect that once having begun, one is forcibly dragged to ultimate success. Sometimes a person will give up his ordinary material engagements and out of sentiment take shelter of the lotus feet of the Supreme Lord and thus begin the preliminary execution of devotional service. Even if such immature devotee falls down, there is no loss on his part. On the other hand, what is the gain of the one who executes the prescribed duties according to
his varna and ashrama does not take to devotional service, although fallen devotee may take his next birth in a low family, his devotional service will nonetheless resume from where he left off. Devotional service is ahityuke apratihata. It is not the effect of any mundane cause, nor it can be terminated by any mundane cause or permanently curtailed by any material interruption. Therefore, a devotee should be confident about his engagement and should not be very interested in the activities of the karmis, jananis and yogis. There are certainly many good qualities among fruitive actors, philosophical speculators and mystic yogis. But all good qualities automatically develop in the character of a devotee. No extraneous endeavor is needed. As confirmed by Srimad Bhagavatam 5.18.12, all the good qualities of the demigods manifest progressively in one who has developed pure devotional service. Because a devotee is not interested in any material activity, he does not become materially contaminated. Because a devotee is not interested in any material activity, he does not become materially contaminated. He is immediately situated on the platform of transcendental life. However, one who engages in mundane activity, be he a so-called jnani, yogi, karmi, philanthropist, nationalist, or whatever, cannot attain the higher stage of Mahatma. He remains a Duratma or cripple-minded person, according to Bhagavad Gita 9.13. Mahatmanastu mamparta devim prakritim ashrita bhajanti ananya manaso gyatva bhutadim avyayam. O son of Krita, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Since all the devotees of the Lord are under the protection of His Supreme Potency, they should not deviate from the path of devotional service and take to the path of the karmi, jnani, or yogi. This is called utsahan, nishchayat, dhairyat, tatatat, karma parvatanat, enthusiastically executing the regulative activities of devotional service with patience and confidence. In this way, one can advance in devotional service without hindrance. Kartike padho anuvada. There are six principles favorable to the execution of pure devotional service. 1. Being enthusiastic. 2. Endeavoring with confidence. 3. Being patient. 4. Acting according to the regulative principles such as Sarvanam Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting and remembering name of Krishna, abandoning the association of the dawn devotees and following the footsteps of the previous acharyas. The six principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Haribol. So beautiful. Utsaha nishchaya dhairyat na. To chhe ye cheeze hain jo vastav mein hamari bhakti ko badhayegi. Inke bina bhakti nahi hai na.
भक्ति करने के लिए क्या उत्साह जरूरी है। भक्ति छोड़ो, देखो स्कूल कॉलेज पढ़ाई कुछ भी हो ना, बिना उत्साह के बात नहीं बनेगी। अगर हम उत्साहित नहीं रहे, एक होता है क्या निरुत्साहित, मतलब दुखी। तो दुखी मन हो के घर परिवार में भी बोलते हैं ना, दुखी मन हो के भाई कुछ भी करो कुछ बढ़िया नहीं मिलेगा, दुखी मन हो के मत करो पढ़ाई लिखाई इत्यादि काम, है ना, अच्छा सोच के ही आगे बढ़ो। और ये तो एक तो निरुत्साहित, तो वो तो ऐसे ही आदमी को बस उदास उदास ही रखता है। और दूसरा क्या है कि भाई मतलब इनडिफरेंट, इनडिफरेंट ना, आ गया ठीक, पास हो गया ठीक है, नहीं पास हुआ ठीक है। एक तो निरुत्साहित क्या, मैं पक्का फेल होऊंगा एग्जाम में, ये निरुत्साहित भाई बेकार है पढ़ाई लिखाई काम की नहीं है, फेल हो जाऊंगा मैं, है ना, और मेरे से नहीं होगा ये। और दूसरा एक, चलो भाई हो गए पास तो हो गए, 60 आ गए ठीक है, 70 आ गए ठीक है, 80 आ गए ठीक है, 40 आ गए ठीक है, 20 आ गए तो भी ठीक है। तो ये इनडिफरेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम भाई हम नहीं बदलेंगे, जो हो रहा है वो जैसा हो रहा है ठीक है। और एक उत्साह, तो हम जीवन में कुछ भी पाए ना, बिना उत्साह के हम बढ़ नहीं सकते एकदम भी आगे। तो यहाँ रूपा गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं, जैसे देखा ना पहले क्या बताया, 6 चीजें जो है वो भक्ति के लिए एकदम हानिकारक है। क्या वो 6 चीजें जो हमारी भक्ति को कुचल देगी? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या वो 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को दबा देगी एकदम कुचल देगी, या हमें भक्ति में आगे बढ़ने ही नहीं देगी? ईटिंग मोर देन नेसेसरी। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, ईटिंग मोर देन नेसेसरी, और स्लीपिंग मोर देन नेसेसरी। ठीक है, और ओवर एंडेवरिंग, टॉकिंग अननेसेसरीली, ठीक है, नॉन डिवोटिंग सेल्फ, प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल रूल्स विदाउट यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग देम। तो ज्यादा खाएंगे ना, तो ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे, तो वो फिर क्या, ज्यादा प्रयास करना, प्रयास ठीक है लेकिन पागल ही हो जाना। और किस चीज के लिए ये सब ना प्रयास, ये जो प्रयास की बात है ये कहाँ, ये भौतिक जगत में जमा करने वाला, तो ये हमारे भक्ति को नीचे ही लेके जाएगा। जितनी भी भक्ति है ना वो छूट जाएगी ओवर एंडेवरिंग करेंगे, तो जितनी भी थोड़ी बहुत भक्ति है अगर ओवर ईटिंग ओवर स्लीपिंग और करेंगे छूट जाएगी, है ना। फिर क्या, प्रजल्प, इधर उधर की बातें करेंगे। देखो समझो आज के डेट में कोई चार माला कर रहा है, हाँ, लेकिन इधर उधर की खूब बातें करता है, तो भाई वो इधर उधर की बातों में ही रहेगा ना, तो चार माला भी कब छूटेगी पता नहीं चलेगा। तो ये, और फिर क्या, बिना सिर पूंछ के बस कुछ ना कुछ नियम ले लिया, और उस नियमों पे इतने हम हो गए पागल कि बस नियम किस लिए है वो नहीं पता, लेकिन हाँ भाई नियम है हमारा, हम ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं वो। हाँ, विम्सिकली इंडिपेंडेंटली मन मर्जी से कुछ नियम ले लेना, मन मर्जी से कुछ नियम जो लेना चाहिए वो नहीं लेना। फिर क्या, जनसंगश्च लौल्यम च ना, तो संसारी लोगों के साथ उन्हीं की बातचीत में उन्हीं की हाँ में वैसे ही व्यवहार में रहना इत्यादि, तो ये सब करके ये हमारी भक्ति को बहुत ही नीचे ला देगी। और 6 चीजें क्या है जो भक्ति को उठाएगी एकदम से पूरा आगे लेके जाएगी हमें, उत्साह, उत्साह होना चाहिए। और फिर क्या, उत्साह निश्चय धैर्यात, तो निश्चय फर्म निश्चय ना, पूरा भरोसा होना चाहिए, और धैर्य पेशेंस ये। फिर क्या, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, अपने जो भक्ति के अंग है ना उनको अंगीकार करना, श्रवणम कीर्तनम उनको। फिर संगो त्याग सत्वृत्ता, संगो त्यागो मतलब अभक्तों का संग, संसारी लोगों का संग नहीं करना वो। और सतोवृत्ते, जो सत्पुरुष है महत्पुरुष है उनकी पद चिन्हों पे चलना, ये करेंगे हम तो हमारी भक्ति खूब निखार लाएगी रंग लाएगी। तो उत्साह,
अभी संसार में देखो ये बात कर रहे थे ना, फेलियर कौन है, कौन व्यक्ति है जिसको हम बोल सकते हैं भाई ये तो फेलियर है पूरा जीवन में, कौन है? जिसने संसार मान लिया, में जिसने ये मान लिया कि वो फेलियर है। हाँ, जिसने हार मान ली, जिसने पहले भाई मैं फेलियर हूं, जो प्रयास करना ही छोड़ दिया ना, वो ना? लेकिन जो प्रयास करे जा रहा है उसको हम बोल नहीं सकते भाई तुम फेलियर हो, प्रयास कर रहे हैं ना, तो ये उत्साह तो रखना ही है। अब देखें उत्साह ना, बिना उत्साह के कुछ आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे जीवन में ना, तो ये तो रहना ही हमें। अब कुछ एक डिफरेंस है, एक होता है उत्साह मतलब क्या एंथुसियाज्म, और एक क्या देखिए उत्साह बहुत काम किया, दूसरा क्या उत्कंठा। उत्कंठा का क्या मतलब हुआ, ईगरनेस, ईगरनेस, व्यग्रता, व्यग्रता मतलब डेस्परेशन। सो एंथुसियाज्म इज वेरी गुड, ईगरनेस इज वेरी गुड, डेस्परेशन इज वेरी गुड, व्यग्रता बहुत अच्छी बात है, और ये ईगर होना है ना, उत्कंठा बहुत उत्कंठित है, एक्साइटेड, ये एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म, दीज आर ऑल गुड, बट वन थिंग इज नॉट गुड, व्हाट, रेस्टलेसनेस, बेचैन, रेस्टलेस ना, कि भाई बेचैन हुआ हुआ एकदम, है वो अच्छा नहीं है। उत्साह तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। अब देखिए उत्साह कैसे आए, देखो उत्साह उत्साहित होके ही अपने आप उत्साह आएगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बैठा रहूं कुछ नहीं करूं और कुछ होए तो मैं उत्साहित हो जाऊंगा। अब जैसे कीर्तन, कीर्तन में कैसे मैं एंथुसियास्टिक हूँ, कीर्तन में थोड़ा आप डांस करो अपने आप एंथुसियाज्म आ जाएगा फिर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे, थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ अपने आप एंथुसियास्टिक हो जाओगे। माला कैसे बने, माला करो अपने आप उत्साह आएगा फिर माला में, है ना। तो उत्साह ये बस थोड़ा सा कुछ करने से ही, भक्तों के संग में थोड़ा सा हम करेंगे ना उत्साह आ जाएगा। उत्साहित के लिए वी हैव टू बी एंथुसियास्टिक टू बी एंथुसियास्टिक, उतना जब हम हो जाए ना एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक होने के लिए अपने आप आ जाएगा उत्साह, फिर वहां से फिर आगे गाड़ी बढ़ जाएगी पूरी की पूरी हमारी। लेकिन केवल ऐसे बस बैठे रहे और कुछ नहीं करें ना, तो फिर उत्साह कुछ नहीं आना, केवल बैठे रह के कुछ नहीं करने से। और मस्ट है ना उत्साह, बिना उत्साह के संसार में कोई आगे नहीं बढ़ता है किसी चीज का, तो उत्साह इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। लेकिन देखिए अधीर नहीं होना है, अधीर मतलब इम्पेशेंट। वही हाँ इम्पेशेंट, वेरी नाइस, अधीर नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना, रेस्टलेस नहीं होना है। एंथुसियाज्म इज वेरी गुड लेकिन रेस्टलेस नहीं होना है। अब एंथुसियाज्म में भी एक चीज है, एंथुसियाज्म डजंट मीन कि हम अपने गले के एकदम ऊंचे आवाज में चिल्लाएं, कीर्तन करें तो खूब ऊंचे स्वर से करें तो पता चलेगा हम कितने एंथुसियास्टिक हैं, ऐसा नहीं है कि एंथुसियास्टिक के नाम पे फिर समझो माला करनी है एंथुसियास्टिकली, ऐसे 7 मिनट लगती है माला करने में, मैं 3 मिनट में कर दूंगा बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हूँ, 4 मिनट में खत्म कर दूंगा, 5 मिनट में, नो दिस इज नॉट करेक्ट एंथुसियाज्म, दिस इज लाइक रेस्टलेसनेस और दिस इज इमेच्योर एंथुसियाज्म पूरा, दिस इज नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट एंथुसियाज्म। कीर्तन कर रहे हो या मंदिर में सेवा, सपोज टेम्पल रूम साफ करना है या घर ही साफ करना अपना, तो फटाफट साफ कर दूंगा, इतना एंथ्यूज हूँ कि फटाफट कर दूंगा ना। एंथ्यूजम का ऐसा नहीं कि फटाफट करो या खूब पैशनेटली करो, एंथ्यूजम ना कि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी होपफुल, यस वेरी अल्टीमेटली पॉजिटिव, ये एंथुसियाज्म मतलब स्टिल कैरिंग ऑन, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, ये एंथुसियाज्म है।
बोलते ना कि देखो ये ना हार नहीं माना। देखिए अभी बात करें ना कि संसार में सभी को, भले कोई साधु ही क्यों ना बन गया हो, तो भी प्रकृति के नियम तो सभी को सताएंगे ना, और ये टेस्ट सभी को आएंगे, भले कोई साधु क्यों ना बन गया हो। टेस्ट ऐसा ही नहीं है कि केवल बिजनेसमैन को ही टेंशन है जीवन में, प्रॉब्लम है, या जॉब गोर्स को ही प्रॉब्लम है, या स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम है, सभी को है, लॉयर, डॉक्टर, नर्सेज इत्यादि। तो ऐसा नहीं कि केवल साधु को फिर प्रॉब्लम नहीं है, साधु को भी प्रॉब्लम है। किसी ने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर लाइफ के स्ट्रगल नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम का अपना स्ट्रगल है, गृहस्थ आश्रम का अपना स्ट्रगल है, संन्यास में भी हो ना, तो एक्सटर्नली तो है ही ना स्ट्रगल, एक्सटर्नली है ही। अब ये बात आ जाती है प्रिंसिपल किसकी, चेतना की। हमारी चेतना कैसी है इंटरनली, एक्सटर्नली स्ट्रगल होते हुए भी स्टिल वी आर काम एंड वी आर एंथ्यूज्ड। तो जितना ये विजन गोलोक वृंदावन दिव्य धाम का विजन जितना और क्लियर और रिफाइंड और डीप होते रहे, उतना हम एंथ्यूज्ड होते रहे चलेंगे। और एक्सटर्नल संसार में ठीक है, जॉब जैसी चल रही है, व्यापार जैसा चल रहा है ना, बस ठीक है भाई। तो इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड इन स्पाइट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हम आगे बढ़ते रहे, दैट इज एंथुसियाज्म। फिर भी आगे बढ़े जाओ, आगे बढ़े जाओ। कई बार देखते ना ये रेस होती है ना, मैराथन या क्या, कि भाई सब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है डिक्लेयर हो गया मैराथन में, पता चल गया कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, और कितने समझे 1000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 995 लोग हो गए, या तो उन्होंने छोड़ दिया बीच में या पार कर गए, हो गया 5 लोग है पीछे, वो अभी भी चल रहे हैं। अभी ये समझो मैराथन कितने बजे, सुबह समझो 10 बजे स्टार्ट हुआ, भागने लगे लोग, अभी 3 बज रहे हैं, और फिर भी वो 5 लोग पीछे हैं, और वो 5 लोग फिर भी किसी तरह से भाग रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, थोड़ा सा रुक के भाग चल रहे हैं, किस चीज के लिए, वो फिनिश लाइन तक आने के लिए, कि नहीं भाई हमने पूरी कंप्लीट करी, चाहे कितना ही ज्यादा हमें टाइम लगाओ, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया हो लॉन्गेस्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस, बट येट फिर भी चल रहे हैं। तो ये एंथुसियाज्म है ना, देखो कितना एंथ्यूज्ड है वो अंदर से। उसी तरह से हमारे भी एंथुसियाज्म होना चाहिए, खूब से खूब, कितनी विपदा आए हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो भगवान इस एटीट्यूड को देखते हैं ना, इस भाव को खूब देखते हैं भगवान, और खूब प्रसन्न होते हैं इस भाव से। तो इस भाव को देखते रहेंगे भगवान और खूब प्रसन्न होंगे हमसे, कि ये एंथुसियाज्म मतलब बोलते हैं ना संसार में क्या, नेवर से डाई, कभी हार नहीं मानना। तो उसी तरह कृष्णा भावनामृत में कभी उदास या कभी निराश या हताश या ये नहीं, एंथुसियाज्म का और क्या, कि ऐसा भाव नहीं आए हमारा विचार में कि हम डाउट डाउट करने लगे, कि डाउट उत्पन्न हो कि क्या है भाई, भजन भगवान है कि भी नहीं है, भजन होता है सत्य है कि भी नहीं है, ये सब मैं कर रहा हूँ, इतना अपने आप को नचा रहा हूँ, भगा रहा हूँ, न पार्टी छोड़ रहा हूँ, बाहर घूमना फिरना खाना पीना छोड़ रहा हूँ, आराम सब छोड़ रहा हूँ, और देखो सुबह जल्दी उठता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन क्या पता है कि भी नहीं है। तो दिस इज इम्प्रॉपर एंथुसियाज्म, दिस ऐसा डाउटफुल एंथुसियाज्म कोई काम का नहीं। एंथुसियाज्म मतलब यस कृष्णा इज रियल, भगवान रियल है भगवान, भगवान कौन है, कृष्णा, हम भी रियल है, हमारा संबंध है भगवान के साथ प्रेम में। अब इस सेवा में कैसे हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, विथ ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट कम आवर वे, येट वी आर कंटिन्यूइंग। हम जपा कर रहे हैं, फिर भी कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, है ना, हरि नाम प्रचार में जुड़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, श्रवण अध्ययन सब कुछ कर रहे हैं, ये उत्साह है। उत्साह का फिर मतलब नहीं, जैसे देखो मंदिर में ना दिया देते हैं ना सबको, आरती देते हैं ना, आरती की थाली लेके, अब समझो 50 लोग हैं मंदिर में, तो उत्साह कोई उत्साह के नाम पे ये नहीं कि 50 लोग और फिर से ऐसे फटाफट आरती लेके जाऊं मंदिर में सबको, पूरा का पूरा 50 लोगों को 50 सेकंड में दे दूं आरती, नो,
this is not again proper enthusiasm. Enthusiasm ki kuch bhi aa raha hai hamare jeevan mein, we march on. And of course, we always should be happy. Jaise dekho, hamesha sukhi kab mehsoos karenge na? Jab bhi mandir jao, haste hue hi jao. हंसते हुए मतलब ऐसे नहीं कि अगेन जस्ट हंसते हुए मतलब हसमुख होते हुए, नॉट ये कि हम जाके मंदिर में हंस रहे हैं, लाफ कर रहे हैं इत्यादि, और एकदम नॉनसेंसिकली मंदिर में लुक हाउ हैप्पी वी आर एंड जस्ट लाफिंग लाइक दैट गिगल कर रहे, नो कहने का कि हसमुख वैसे जाए और भगवान के दर्शन. देखो जब हसमुख होके भगवान के दर्शन करेंगे ना, भगवान खूब और ही सुंदर लगेंगे. कभी दुखी आत्मा दुखा मन लेके नहीं जाना चाहिए. हम ही देखते ना, घर परिवार में कोई आए, बच्चा कोई आए या बड़ा कोई आए, मुंह लटका के आए और कंफ्यूज हुआ हुआ एकदम, मुंह लटका के भाई क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये वो, तो होता ना कि क्या है जब देखो मुंह लटका के. तो भगवान के पास भी हम जाए ना तो मुंह लटका के नहीं, हसमुख चेहरे से. भले ठीक है चल रहा है हमारा कुछ, कोविड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, भगवान के सामने हमेशा हसमुख उत्साहित होके, भक्तों के सामने भी ऐसा ही होना चाहिए. ऐसे होके रहेंगे ना तो ये आर्ट कला हम सीखेंगे, कैसे एंथ्यूज्ड होके रहना, कैसे अपने आप को एंथ्यूज्ड रखना, एंथ्यूज्ड होके रहना. और ये एंथुसियाज्म फिर एक दिन देखेंगे कि परेशानी क्या है, प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही आई है चली गई है. हुआ ना कभी हम क्लास 5 में थे तब भी प्रॉब्लम थी, क्या होमवर्क नहीं किया भाई, डर लग रहा है स्कूल जाना, होमवर्क नहीं किया, भूल गया या क्या, पेंसिल बॉक्स भूल गया इत्यादि, है ना. छठी में, सातवीं में, आठवीं में क्या खत्म, बात गई, रात गई, बात गई या खत्म. दसवीं में, बारहवीं में क्या, कई बार देखते ना बारहवीं में क्या इंजीनियरिंग में नहीं मिल पाया, एक साल का गैप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सो मेनी थिंग्स ना, बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, प्लेन छूट गई, क्या हुआ, जीवन थोड़ी ना खत्म हो गया. चल लेना, जॉब छूट जाती है लोगों को फिर मिल जाती है, कितना कुछ ना. तो ये सब जो कुछ चलते रहे ना, हम उत्साह पूर्वक बढ़े आगे भक्ति में, ये उत्साह है. और उत्साह में ऐसा नहीं कि हम जोर जोर से जपा या इतने उत्साह में आ गए कि औरों का अपमान करते चले, नो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस एक पैशन और एक उत्साह में, एंथुसियाज्म में ना. पैशन, ये जो पैशन है ना वो हमें पैशनेट बना देगा स्वयं के लिए, भोग वासना के लिए. बट ये जो एंथुसियाज्म है इसमें भोग वासना की कोई बात ही नहीं है, इसमें सेंस एंजॉयमेंट की कोई बात ही नहीं है. एंथुसियाज्म हमारा ऐसा हो, और नीड नॉट बी कि एक्सटर्नली हम अपने आप को पम्प्ड अप दिखा रहे हो तो एंथ्यूज्ड है, कोई एक्सटर्नली पम्प्ड अप इतना नहीं हो. कई होता है ना, लोगों का अपना अपना स्वभाव होता है भाई, कोई थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का, कोई थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर का, सबका अपना स्वभाव है. तो कोई इतना एक्सप्रेस नहीं करता एक्साइटमेंट. जैसे देखिए ये उदाहरण देखिए, मैं भी क्रिकेट में ना, कोई एक ये बॉलर है, अब उसने विकेट ले लिया, बोल्ड कर दिया सामने वाले खिलाड़ी को, और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको बोल्ड कर दिया, तो फिर भी वो इतना नाच नहीं रहा, वो फिर भी इतना नाच नहीं रहा, ठीक है अपने टीम वालों से मिल रहा है, गले मिल रहा है, हाथ मिला रहा है और आनंद हो रहा है, आपस में सबको उस आनंद को बांट रहे हैं, है? तो ये एक हुआ. इसका कहने का मतलब नहीं है कि ये उत्साहित नहीं हो, वो उसका उत्साह कहाँ दिखता है, बॉल फेंकने में ना, कितना उत्साहित है बॉलिंग करने के लिए, फील्डिंग करने के लिए इत्यादि, कब मेरे को ओवर मिले, कब टर्न मिले उसमें, है? और एक है कि भाई बॉलिंग किया, अब विकेट मिल गया, तो बस विकेट मिल गया तो पूरे मैदान में वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है. तो ऐसा कोई नहीं है कि वो पूरे मैदान में भागे जा रहा है तो वो कितना एंथ्यूज्ड प्लेयर है. एंथ्यूसियाज्म मतलब कि आपका दिन खराब जा रहा है फिर भी आप बॉलिंग करे जा रहे हो, फिर भी आप बॉलिंग करे जा रहे हो और फिर भी बढ़े जा रहे हो, वो एंथ्यूसियाज्म वैसा, फिर भी आप खेल में, पढ़ाई में इत्यादि. तो वैसा ही हम भी साधना में, भक्ति में आगे बढ़ते चले, और ये मान के चलिए भक्ति कर रहे हैं ना, ये मान के चलिए कि कष्ट आएंगे ही आएंगे, अवश्य आएंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे जीवन में या कम आएंगे या क्या, नहीं.
लेकिन सामर्थ्य जरूर होगा, विवेक शक्ति। और उन कष्टों में हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे डील करें और महाप्रभु का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। देखो कई लोग होते हैं ना कि दुख के समय निकाल भी लेते हैं आराम से और इतना कंप्लेन भी नहीं करते, अच्छी तरह से शांत भाव में कुछ करके रुखा सुखा निकाल लेते हैं। समझो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, निकाल लिया 3 साल 5 साल एंड देन वापस से गाड़ी ट्रैक में आ गई। लेकिन वो 3 साल 5 साल में भगवान का भजन कुछ भी नहीं किया ना, न्यूनतम रूप से मिनिमम किया समझो, एक दो माला। लेकिन उससे क्या ग्रोथ? ठीक है ये एक भौतिक फेज था तुम्हारा, नीचे जाने का मटेरियली रुपयों पैसों के हिसाब से तुम गए नीचे और फिर बराबर आ गए। लेकिन इस संबंध में इस दौरान भगवान के साथ कोई संपर्क जोड़ा नहीं। अब भक्त जो है ना वो नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो, या तो उसकी आमदनी कम हो रही है या खूब ज्यादा हो रही है समझे, फिर भी वो भक्ति में बहुत एंथ्यूज्ड है, रीडिंग हियरिंग जपा उसमें खूब एंथ्यूज्ड है और फोकस होके और समय दे रहा और आगे बढ़े जा रहा है। ये प्रभुपाद जी के जीवन से हम देखते हैं ना एंथुसियाज्म। देखिए एंथुसियाज्म क्या ना, जिसने हार मान ली वो फेलियर, जिसने हार मान ली या जो प्रयास करना छोड़ दिया। अब प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए, सन 1922 में वो मिले थे अपने गुरु महाराज से पहली बार, जब वो 26 साल के थे, और तभी उनको उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया क्या है कि पाश्चात्य देशों में जाके भगवत प्रचार करो, और ये कब, सन 1922। और फिर उन्होंने संन्यास कब लिया प्रभुपाद जी ने, सन 1956 में आई बिलीव। सोचो 1922 में जब मिले, 26 वर्ष के थे और तब शादी नहीं हुई थी उनकी, ठीक है शादी करी बच्चे हुए है ना, व्यापार करते रहे, शादी करी बच्चे करे, बच्चों को पाला पढ़ाया सब कुछ पोसा, उनकी शादी करी इत्यादि सब कुछ जाके, फिर 1956 में उन्होंने संन्यास लिया है। 1956 से पहले शायद वृंदावन गए, फिर 1956 में संन्यास लिया, फिर कब 1965 में विदेश आए। तो सोचो लगभग 10 साल के पूरा ही भारत में स्ट्रगल कर रहे थे। ऑल्दो घर परिवार छोड़ने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में आने पे फिर वो वृंदावन में जाके वास करने लगे और सेवा करते थे, बुक प्रिंटिंग खुद ही करते थे, खुद ही बुक प्रिंट करते थे, खुद ही कंटेंट लिखते, खुद ही जाते प्रिंटर के पास दिल्ली में, उसको प्रिंट करने को बोलते, खुद ही उसको प्रूफ रीड करते, एडिट करते सब कुछ। अब हो गया फाइनल कॉपी आ गई, फिर क्या खुद ही बांटते उसको, सारा कुछ सिंगल हैंडेड, पढ़ा ना हमने तात्पर्य में सिंगल हैंडेड। लेकिन कभी हार नहीं मानी ना प्रभुपाद ने, कभी हार नहीं मानी, कभी निरुत्साहित नहीं हुए। क्या नहीं हुआ सोचो, इतना कुछ कर रहे हैं फिर क्या बुढ़ापे में ही ना, वृद्ध उम्र में। और 1956 के बाद की बात है वैसे, क्या दिल्ली में गर्मी में जून जुलाई महीने में गर्मी में पुरानी दिल्ली में क्या बुक बांट रहे हैं, प्रिंटिंग मैगजीन बांट रहे हैं, और एक बैल आके उनको पेट में सींग मार देता और प्रभुपाद वहीं पे रास्ते में गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कोई आसपास के लोग आते हैं, दुकानदार आते हैं, उनको अस्पताल लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, थोड़ा बहुत इलाज करते हैं। लेकिन प्रभुपाद फिर भी दुखी, ठीक है निरुत्साहित, देखो एक दुख आना एक नेचुरल इमोशन है ये। अब ऐसा नहीं है कि कोई साधु बन गया या सन्यासी भी बन गया हो तो क्या उसको पेट नहीं दुखेगा, या पेट दर्द हो रहा है तो वो उसका थोड़ा सा चेहरा नहीं बदल रहा हो, नहीं ये तो है, दुख आना तो स्वाभाविक है। कोई सन्यासी बन गया साधु बन गया आप समझिए, और उसका पासपोर्ट चोरी हो गया तो उसको ऐसा नहीं है कष्ट नहीं होगा इत्यादि, लेकिन उस कष्ट से वो पीड़ित नहीं होता है, ये बात है। पेन तो होगा लेकिन वो सफर नहीं करेगा, उससे जूझता नहीं है, पीड़ित नहीं होता है, निरुत्साहित नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी को जब जब ऐसा नहीं है, जब सिंह ने बैल ने सिंह मारे तो क्या प्रभुपाद जी को दर्द नहीं हुआ क्या? दर्द तो हुआ ना भाई, दर्द तो हुआ, दुख भी एक बार का उत्पन्न हुआ, क्यों ये सब हो रहा है। इस्कॉन भी बन गया, मंदिर बन गया, कितनी चोरी हुई मायापुर में, मंदिर बना बहुत चोरी होती थी, बंबई के मंदिर बनाने में तो बाप रे कि सबसे ज्यादा हेडेक प्रभुपाद को बंबई के मंदिर बनाने में हुआ जुहू का,
राधा राज बिहारी, भयंकर हेडेक प्रभुपाद को उसमें हुआ, लीगल फाइट क्या कुछ नहीं, बाप रे। सोचो 70 वर्ष के एक व्यक्ति, इतना स्ट्रेस लेकिन निरुत्साहित नहीं हुए ना, स्टिल ही कैरीड ऑन ना, ही कैरीड ऑन, ही कैरीड ऑन। तो ऐसा नहीं है कि उनको टेंशन नहीं थी, खूब टेंशन, साधु को खूब टेंशन रहती है। फिर क्या, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है भाई, ऐसा थोड़ी ना सर नहीं दुखता साधु का, दुखेगा, लेकिन हार नहीं मानना, ये चीज। तो प्रभुपाद ने कहीं पे भी ये नहीं ना, हारे नहीं, रुके नहीं, स्टॉप नहीं कर दिया, छोड़ नहीं दिया, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। उसी तरह हमें देखिए, एक और उदाहरण देखें क्या, कई बार हम देखते ना, हर क्षेत्र में ऐसा दिखता ना, क्या एक बॉक्सिंग का मैच समझो, बॉक्सिंग की, अब कोई 16 साल का लड़का बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया बॉक्सिंग सीखने के लिए, अब उसका कोच कौन है, 40 साल का एक व्यक्ति है जो 20 साल से बॉक्सिंग खेला है और सिखा रहा है और वर्ल्ड चैंपियन है समझो। अब वो रिंग के अंदर उस 16 साल को लड़के को बुलाता लाता है और उसके साथ बॉक्सिंग खेलता है, और उस बॉक्सिंग खेलने में उसको खूब सारा जोर जोर से इधर उधर पंच मारता है, गिराता है, फिर बोलता है खड़ा हो, फिर ये वो ऐसे करके करता है, उसको पंच मारता है, फिर गिराता है, फिर बोलता है खड़ा हो। तो अब कोई बाहर वाला व्यक्ति देखेगा तो क्या देख के ये बोलेगा ना कि बाप रे देखो कैसा है, एक तो खुद 40 साल का और दूसरा 16 साल का, खुद 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, 20 साल से करा रहा है और इस 16 साल पे देखो अत्याचार कर रहा है। लेकिन वो उस 16 साल पे अत्याचार कर रहे हैं क्या, बताओ आप, ये प्रश्न है, ये उस 16 साल वाले पे अत्याचार कर रहा है क्या, या देखो उसको तैयार कर रहा है ना कि देख बेटा तू 16 साल का है, अभी तू जो भी लेवल में, जो भी ग्रुप में ये चैंपियनशिप खेलेगा, है ना, चैंपियनशिप खेलेगा तो वहां पे तेरे को ऐसे ऐसे ही पिटाई करेंगे लोग, कैसे डिफेंड करना है, कैसे अटैक करना, वो तैयार कर रहा है ना उसके लिए कि एक दिन फिर देख रिंग में मैच आएगा तेरा, और तू बॉक्सिंग रिंग में जाएगा, एम्पायर होंगे, रेफरी होंगे, ऑडियंस होगी। आज के डेट में तो अभी तो स्टेडियम भरा हुआ नहीं है, जब वो उसको ट्रेन कर रहा है स्टेडियम पूरा बॉक्सिंग का भरा हुआ नहीं है ना, तो ठीक है ट्रेनिंग चल रही है, अब उस समय स्टेडियम भी भरा होगा, टीवी में भी लोग देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आएगा, कमेंट्री भी पहले, तो प्रेशर रहता ही ना, और सामने वाला लड़का होगा वो भी खूब चैंपियन टाइप ही होगा, मारेगा, तो ये कोच अभी तैयार कर रहा है ना उसको उस टाइम के लिए, तो कितना जरूरी है। अब समझो कोच अगर उसको तैयार नहीं करे, तो ये कोच उसको तैयार कर रहा है कि तुम निरुत्साहित मत हो, तो एंथ्यूज रहो और चलो आगे बढ़ो। तो ये कठिनाई हमारे जीवन में आती है ना, कष्ट आते हैं ना, इनसे हमें वास्तव में दुखी या निरुत्साहित नहीं होना चाहिए ना, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। देखो विशेष करके भक्ति में, भक्ति से पहले इत्यादि, भगवान का खूब धन्यवाद कि भगवान वो कष्ट आए बढ़िया है, वो दिन थे मेरे, कैसे मैं देखो कोविड की दिन सभी के लिए बहुत बहुत वो था ना, कोविड का टाइम सब कईयों के लिए बहुत अनोखा रहा है कि नहीं, हम सभी के लिए, कुछ लोग की भाई वो 2 साल याद ही नहीं रखूं मैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो हर हिसाब से सभी के लिए कुछ ना कुछ रहा। अब सोचो कोविड के टाइम में, उस टाइम में शुरू शुरू के दिनों में कई लोग थे ना जो शिप में अटक गए, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जहाज में बैठे हैं 1 महीना। आज के डेट में देखो ना रशिया यूक्रेन में नहीं है क्या दिक्कत, कितने यूक्रेन के लोग हैं जो, सोचो आपको रातों रात आपको आपके शहर से छोड़ना पड़ जाए, क्या विडंबना आएगी भाई, बमबारी चल रही है रात तो रात आपको छोड़ना पड़ जाए, या 6 महीने का, 1 साल का नोटिस में भी, अब सोचो 1 साल का नोटिस है और पता है भाई इस साल युद्ध हो ही जाएगा, 10 महीने में ये वो छोड़ना पड़े, तो है ना प्रॉब्लम। तो ये सब तो है, बट कैसे हम फिर भी भक्ति में आगे बढ़े, तो इसका एक सूत्र भी क्या है बताऊं, क्या किस तरह से हम आगे बढ़ते भी रहेंगे, जब हम भक्ति में रिजल्ट से अपने आप को डिटैच रखें ना, रिजल्ट से फ्री रखें, डिटैच रखें, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ,
रिजल्ट से अपने आप को प्रभावित नहीं होने दे। निरुत्साह आदमी कब हो जाएगा, अरे इतना कर रहा हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, माला इतनी माला कर रहा हूँ, इतना रीडिंग कर लिया है एक घंटा सुबह, लेकिन देखो अगर हम इस भाव से करेंगे ना कि कुछ हो नहीं रहा या कुछ करवाना हो, ऐसे भाव से करेंगे तो क्या ना हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही जपा कर रहे हैं, फिर इसको कर्मकांड बना देंगे पूरा कि चलो एग्जाम आ रहा है अब चार माला कर लेता हूँ, रिजल्ट का अब टाइम आ रहा है अब आठ माला कर लेता हूँ। हाँ तो ऐसे ऐसे भाव से करेंगे, रिजल्ट का अब टाइम आ रहा है समझिए, अब अगर बोलूं कि आठ माला कर लेता हूँ और रिजल्ट हम पास नहीं हुआ मैं तो फिर क्या, अरे फालतू या आठ माला ही हो, तो ऐसे हम बहुत अपराध करेंगे। तो उत्साह से हम कैसे बढ़ते रहे, जब हम सेवा भाव, क्या हम ये समझे जाने की कितनी बड़ी कृपा हुई है मेरे में जीवन में, गुरु वर्ग से कितनी बड़ी कृपा हुई है, नहीं तो कहां भटक ही रहा था, बर्बादी, अब ये दिशा, अब भगवत और भगवान के पाने के लिए हम बढ़ रहे हैं। और ठीक है थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, क्या बड़ी प्राइस है, एवरीवन हैज टू पे अ प्राइस ना, एवरीवन पेज अ प्राइस, अब थोड़ी परेशानी आ रही है। एक सेकेंड, एक थोड़ा कॉल आ रहा है, देखता हूँ थोड़ा अर्जेंट है। हरे कृष्ण। तो अब इस संसार में कौन प्राइस पे नहीं करता, एवरीवन पेज अ प्राइस, वी ऑल आर पेइंग अ प्राइस ना। तो अब थोड़ा बहुत कष्ट आके देखो जीवन में, क्या कष्ट, जॉब रिलेटेड, थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड, थोड़ा सा लक्ष्मी रिलेटेड, रुपया का थोड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इफ वी स्टिल कंटिन्यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अब देखो Still we continue in Krishna consciousness. और किस विजन से, कि इतनी कृपा हुई है मेरे पे, ये हम सब देखो साधक है ना, हम सब नाम जप और करते हैं तो हम सबका अनुभव तो है ही। आज अगर हमारा कृष्णा भावनामृत में अनुभव नहीं होता, वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम आज नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते ना, आज फिर हम क्यों अध्ययन या जपा करते इत्यादि। तो वी ऑल हैव एक्सपीरियंस अ टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अब इतने ये क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत कष्ट आके भी येट वी कंटिन्यू एंथुसियास्टिकली, तो देखो क्या होगा, एक छोटी सी प्राइस पे करके एंड कीपिंग अप अ गुड एटीट्यूड ना, छोटा सा प्राइस पे करके कीपिंग अप अ वेरी गुड कृष्णा कॉन्शियस एटीट्यूड, दैट व्हाट आई हैव बीन सो ब्लेस्ड बाय डिवोटी एसोसिएशन, बाय स्पिरिचुअल मास्टर, बाय आचार्यस, बाय होली नेम, ऑफ कोर्स भगवान से, और ऐसा भाव रख के फिर हम आगे बढ़ते चले तो देखो भगवत धाम के लिए खूब अग्रसर होंगे ना, और भगवान कितने रीझेंगे। अब एक फिर से बात करें ना, किसी का थोड़ा सा नुकसान हुआ फाइनेंशियल, ठीक है दो साल फैमिली ने पति पत्नी ने संभव निकाल लिया वो टाइम, लेकिन उस टाइम में भगवान का इतना स्मरण भजन नहीं किया, या स्मरण किया भी तो भी क्या, हे भगवान इस बुरे वक्त से पार करा दे, हे भगवान इस बुरे वक्त से निकाल दे हमें, हे भगवान इस बुरा वक्त ठीक से निकल जाए, बस यही, ये एक बार दो साल बुरा वक्त हमारा ठीक से निकल जाए ना, तुम्हें मैं 2100 का पेड़ा चढ़ाऊंगा, लो जी। और एक तरफ का कोई साधक
दो साल का बुरा वक्त इत्यादि चल रहा है, लेकिन फिर भी वो भागवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, श्लोका कंठस्थ कर रहा है, नाम जप कर रहा है और भगवान को कंप्लेन नहीं कर रहा कि भगवान ये कहाँ जॉब में फंस गया हूँ, कहाँ इसमें फंस गया हूँ भगवान, अभी देखो सास की प्रॉब्लम है तो इसकी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम है ना, कंप्लेन नहीं कर रहा है। येट एंथुसियास्टिकली इज गोइंग ऑन एंड वेयर व्हाट इज ही प्रिपेयरिंग, कब दर्शन होंगे भगवान आपके, कब दर्शन होंगे। और भगवान को बोल रहे नहीं भगवान कुछ नहीं, समस्या नहीं मेरे को जीवन में, एक ही समस्या आपके दर्शन नहीं हो रहे। ये बात से जैसे सुदामा का हम देखते हैं ना, सुदामा को उनकी पत्नी को बड़ा अभाव लग रहा है, क्या गरीबी है, खूब खूब गरीबी है, खूब गरीबी है, तो उनकी पत्नी को बड़ा लग रहा है। अब सुदामा को कुछ नहीं लग रहा ऐसा, क्या गरीबी है इत्यादि है? तो उनकी पत्नी बोलती है, शिशि कोणंताय मायापुर शशि की जय, उनकी पत्नी बोलती है कि भाई आप द्वारका जाओ, कृष्णा उसके पास जाओ और वो उनको बस आप चले जाओ या कुछ बोल दो, दे देंगे वो पूरा समाधान हो जाएगा ये वो। तो वो गए, लेकिन वो ठीक है अपनी पत्नी के आग्रह पे, अपनी पत्नी के कहने पे गए, लेकिन उनका मनोभाव क्या है भगवान के दर्शन के लिए। वो कोई ये थोड़ी ना गए कि भगवान से कुछ मांगने के लिए, नहीं दर्शन के लिए है ना, कि कृष्ण से मिलना होगा, बहुत साल हो गए, बहुत टाइम हो गया मिलना नहीं हुआ उससे, उसको देखूं कैसा दिखता है, क्या कर रहा है ना, उसके लिए गए। और क्या उनकी पत्नी ने दिया, चार चावल के चार दाने दिए, वो भी कच्चे एकदम, वो बताते हैं वो भी कहाँ पड़ोस से लेके आए या क्या, फटे कपड़े पहन के सुदामा गए ना, फटी हुई धोती इत्यादि, गर्मी में पैदल चलते चलते। तो इस हिसाब से स्थिति में गए और वो चार चावल के दाने लेके गए, अब वो सभा में भी पहुंचे तो क्या कर रहे हैं, उन दानों को छुपा रहे हैं, भगवान को दे नहीं रहे। वो सभा में पहुंच के भी उन चावल के दानों को छुपा रहे हैं भगवान से, शर्म के मारे या क्या, कि मैं क्या दूं, द्वारका का राजा है, महल में रह रहा है कृष्णा इत्यादि। लेकिन भगवान देखो उनको रिसीव किया ना, एक मोमेंट में भी सुदामा को ये फील नहीं हुआ कि यू आर अ फेलियर, तुम भिखारी हो या ये हो, एक मोमेंट के लिए भी। और सुदामा को भी एक मोमेंट के लिए ऐसा फील नहीं हुआ उनको भी कि यार ये तो राजा बन गया, ये वो दोस्त थोड़ी ना मेरा जो सांदीपनि मुनि के साथ था मेरे आश्रम में, स्कूल फ्रेंड थोड़ी ना, कितना आगे निकलना। ये इंटीमेसी वाली बात, खूब बढ़िया इंटीमेसी एकदम ठीक है। अब उनको थोड़ा सा शर्म की ये बात नहीं, गरीबी के नहीं, ये कि मैं क्या चार चावल के दाने दे रहा हूँ कृष्ण को, क्या होगा इससे, और भगवान देखो कितने लालायित उस चार चावल के। सुदामा ने कोई कंप्लेन करी क्या बताओ, करी क्या, भगवान के सामने मिल रहे हैं जा रहे हैं उनके पास, कोई कंप्लेन नहीं करी ना कि घर पे राशन पानी नहीं है, बच्चों के कपड़े नहीं है, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, ये वो कुछ करो देखो, कोई एक शब्द नहीं बोला। और हसमुख एकदम भोजन पाया भगवान के साथ ना, बैठ के एकदम बातें करी, खूब बातें करी और एकदम भी कंप्लेन नहीं किया। और कितने एंथुसियास्टिक सुदामा, जर्नी में एंथुसियास्टिक, व्हाइल्स देयर इज एंथुसियास्टिक एंड व्हाट, इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे, वेरी वेरी स्मॉल प्राइस टू पे कृष्णा। तो किसी को भी देखो, देखो देखिए हम सबको भगवत धाम की ओर अग्रसर होना है। अब हम भगवत धाम की ओर बढ़ ही चुके हैं, बढ़ ही रहे हैं ना, और भगवत प्राप्ति होगी हमारी, तो क्या इट विल बी वेरी स्मॉल प्राइस टू पे, क्या प्राइस पे कर दे हमें, थोड़ा बहुत जॉब का ट्रबल, थोड़ा बहुत हेल्थ का ट्रबल, थोड़ा बहुत यही सब ना, कुछ हेडेक समझो किसी ना किसी प्रकार से, कुछ इच्छा पूरी नहीं हो रही है समझो, गाड़ी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, अरे भाई भगवत धाम के लिए। और एक बार हमारे कृष्णा भावनामृत में मति जागृत हो गई ना, तो ये संसारी सुख, और संसारी सुख तो हमें एकदम निम्न कोटि का लगेगा, ये गाड़ी घोड़ा मकान कोई आकर्षण नहीं रहेगा इनके पीछे, सब फिकल, सब टेम्परेरी लगेंगे ये संसारी सुख, नहीं कोई सुहाएगा नहीं, भले कोई सेंट्रल लंदन में आलीशान मकान ऑफर कर रहा हो, वो ना कोई आकर्षण नहीं रहेगा।
हाँ तब ठीक है, अगर सेंट्रल लंदन में आलीशान मकान, लेकिन उस मकान में क्या भगवान के लिए दे रहा है, मंदिर बनाए हम और भक्तों के रहने की व्यवस्था, प्रसादम की, ग्रंथ वितरण की व्यवस्था, देन वी आर ऑल अप फॉर इट, अदरवाइज वी आर फाइन इन अ कुटिया ना। प्रभुपाद जी ने बोला ना, मायापुर में एक कुटिया में ही रहते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला ना कि हम साधु लोग तो, हम लोग तो अपने लिए तो एक झोपड़ी में भी रहने को तैयार है, लेकिन भगवान को थोड़ी ना रखेंगे झोपड़ी में, भगवान को बढ़िया से रखना। और खुद के लिए ठीक है, जिस हाल में रखे राम उस हाल में रहो राजी। तो ये एवरीवन इज पेइंग अ प्राइस, हम सब एक जीवन में एक प्राइस तो पे कर ही रहे हैं, लेकिन ये है कर्मी लोग या और भी थोड़े से कोई सेंस कंट्रोल भी है लोगों का, ठीक है। तो वही बात, 2 साल फाइनेंशियल टफ रहा, ठीक है, तो स्टिल दे कैप देयर कूल हेड, लेकिन भगवान के भजन में इतना नहीं जुड़े, जो मंदिर और फिर भी गए, लेकिन यही भाव कि भगवान ये 2 साल निकल जाए आपको सवामी चढ़ा दूंगा, 2100 का पेड़ा आपका, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे ही करके, और साधु संघ में कोई खास जुड़े नहीं, तो इतना लाभ नहीं है वो प्राइस पे करके। क्या तुम्हारे भाग्य में लिखा था कि 2 साल तुम्हारे डाउन रहेगा, आ गया डाउन हो गए, और फिर 2 साल अप हो जाओगे, वो भी हो गया, जो भाग्य में लिखा था हो गया भाई। लेकिन ये भजन जो है ना, ये सेवा, ये भक्ति जो है, ये भाग्य में नहीं लिखा है किसी के, इसमें हमारी फुल चॉइस एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। बाकी चीजों में देखो, अभी विराट कोहली सचिन तेंदुलकर यही बनते हैं ना भाई, कोई थोड़ी ना सब, कितने बच्चे खेलते हैं क्रिकेट भारत में, देखो बहुत बच्चे जाते हैं ना कोचिंग में, लेकिन सब थोड़ी ना सचिन बनते हैं या के कोहली बनते हैं, जिसके भाग्य में वो है भाई। तो भाग्य से ज्यादा या भाग्य से कम किसी को नहीं मिला है, कर्मों से ही हमारे भाग्य बनते हैं, और फिर उन भाग्यों के अनुसार जिस हिसाब से हम डील करते हैं, अपने आप को रखते हैं, वैसे हम कर्म बनाते हैं अपना। अब देखो, अभी कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ है खूब, कितना डेंजरस भी है, देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ है तो उसको जॉब करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, सच, रोटी कपड़े मकान की उसकी कोई चिंता नहीं है उसको। अभी कोविड आया, कोई बहुत धनी हो क्या है, ठीक है 1 साल नहीं जा रहा हूँ दुकान, 2 साल दुकान बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हुई क्या कोई अमीर आदमी को, ऐसा सच, बहुत धनी हो तो क्या दिक्कत हुई, कुछ नहीं है। लेकिन समझो, अब अच्छा अमीर आदमी है, धनी आदमी है, लेकिन क्या अब उस धन के आवेश में नशा करता है, जुआ सट्टा करता है, अभिमान करता है, घमंड करता है, और उस धन के आवेश में भगवान की पूजा, या ठीक है मंदिर है घर पे, मंदिर बना ठीक है, हाथ जोड़ लिया कर लिया है, लेकिन भक्ति में नहीं, क्यों? अरे भाई इतनी सेंस एंजॉयमेंट है, क्या करनी है भक्ति, खूब सुख पड़ा है, तो ऐसे करके रहता है। तो देखो भले ही उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन मिस यूटिलाइज कर रहा है ना उस अपॉर्चुनिटी का, तो अगला जीवन का, और फिर जुआ सट्टा झूठ सच ये सब पाप में वृत्ति में लगेगा, तो अगला जीवन अपना नष्ट ही कर रहा है ना, कितना खराब। फिर क्या होगा, फिर चलो भाई अब तुम्हें तुम्हें बहुत धन दे दिया, लेकिन तुम्हें धन का उपयोग करना नहीं आता, तो जाओ फकीर बनो, गरीब बनो तुम। ये तो ये सब ना एक्सटर्नल है, हमारे कर्म और भाग्य ना, भाग्य से ही कर्म, ये कर्मों से भाग्य बनते हैं, और फिर जिस हिसाब से हम अपने आप को इस संसार में रखते हैं, तो हम अपना अगला जीवन बना रहे हैं। अब यही कृष्णा भावना भावित बने रहे हैं हम, सारी स्ट्रगल्स को सलाम करते हुए एंथुसियस्टिकली आगे बढ़ते चले, तो भगवत धाम को पाएंगे ना। फिर भगवान कहेंगे ना कि देखो तुम्हें गुड टाइम्स आया तो भी तुम माला कर रहे हो, बैड टाइम्स आया तो भी तुम खूब माला कर रहे हो, और खुशी खुशी है ना, सुखी सुखी हंसते हुए, और कंप्लेन नहीं कर रहा, गुड टाइम में भी कुछ ऐसा नहीं कि भगवान देखो कितना बढ़िया, और बैड टाइम में भी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं कर रहा कि कहाँ फंसा दिया भगवान, कैसे माला करूं, भक्ति करके भी इतनी टेंशन दे रहे हो, इससे बढ़िया तो नहीं करता भक्ति, ऐसे भी कंप्लेन नहीं कर रहा। तो फिर भगवान बोलेंगे ना कि भाई तो देखो तुम हर तरह में ओके हो, तो हर स्थिति में जो ओके उसको भगवान को पाने में क्या दिक्कत होगी, पाएंगे ना भगवान उसको, तुम संसार के कोई लोभ नहीं रहा और तुम फिर भी भजन कर रहे हो,
तो ये अब इस स्थिति में कैसा है ना, जब हम अपने आपको रिजल्ट मेंटेलिटी से छुटाएंगे कि हम भजन कर रहे हैं किस लिए, भगवान को पाने के लिए, ना कोई मान प्रतिष्ठा नाम इन सब को पाने के लिए, हम इन सब के लिए भजन नहीं कर रहे, एक ही उसके लिए, आशा के लिए, भगवान को पाने के लिए हम भजन कर रहे हैं, भगवत सेवा, कृष्ण प्रेम, उसको भगवान के सुख वर्धन के लिए हम नाम जप कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं नाम जप, कि भगवान सुखी हो हमारे नाम जप से। क्या फायदा ऐसा नाम जप करके कि नाम जपा और लेकिन भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे हो और हम अपना ही उसका उल्लू सीधा या काम कराने पड़े, ऐसा नहीं। और ये रिजल्ट मेंटेलिटी से हम कैसे नेचुरली छूटेंगे, जब हम वास्तव में थोड़ा सा श्रद्धा और सिंसियरली से ये समझ सके, ये वास्तव में हम प्रार्थना कर सके, देख सके कि भगवान आपके भक्त कितने महान है, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने एडवांस्ड हैं वो। अगर वो नहीं आते मेरे जीवन में, आपके भक्तों में बर्बाद हो जाता भगवान, ऐसा भाव वास्तव में आना चाहिए। तो भगवान खूब रिझते हैं, देखो भगवान खूब रिझते हैं, ये एक 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 क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं हिंदी में, एक तरीका समझिए, ये एक टोटका तरीका है क्या, भगवान के आगे भक्तों की खूब प्रशंसा करो जेन्युइन, और नहीं भी निकले तो फोर्सफुली या करो सेंटिमेंटली इत्यादि करो, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान के आगे भक्तों की प्रशंसा करो और भक्तों के आगे भगवान के गुणगान करो तो दोनों हाथों में मनाई रहेगी। देखो भगवान के आगे भक्तों की खूब प्रशंसा करोगे ना, भगवान खूब रिझते हैं कि हाँ भाई मेरे भक्त की खूब ऐसे प्रशंसा कर रहा है, तो भगवान बहुत रिझते हैं। और भक्तों के आगे भगवान की प्रशंसा करेंगे तो भक्त लोग को वाह कितना अच्छा भक्त है ये, देखो भगवान की कितनी महिमा, थकता नहीं है नाम जप में, थकता नहीं। नाम जप करना क्या है, भगवान की महिमा की बात है ना। एक मिनट होल्ड कर, तो भगवान खूब रिझेंगे जब हम भक्तों का गुणगान करें, और अगर नेचुरल भी नहीं हो ना तो फोर्सफुली भी कर लेना चाहिए। जैसे ना एंथुसियाज्म नहीं आ रहा है तो भाई फोर्स योरसेल्फ टू बी एंथुसियास्टिक, फोर्सफुली भी एंथुसियाज्म लाएंगे तो हो जाएगा। कीर्तन में नचा नहीं जा रहा है, नाचो भाई जबरदस्ती का नाचो। हाँ अभी बॉलीवुड गानों में मत नाचो, जबरदस्ती का भी नचे तो बंद करो भाई, समाओ घर पे चल रहा हो, बाहर कहीं जा रहे हैं ये वो, कभी हो भी जाता है ना। गृहस्थ जीवन में बहुत ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं करने के लिए, बहुत गृहस्थ जीवन में बहुत सारे ऑब्लिगेशंस। अब गृहस्थ जीवन में अगर बहुत ऑब्लिगेशन है कि नाचना भाई, यहाँ खाओ भाई, ये करो, नहीं मत करो। और कीर्तन में फोर्स योरसेल्फ टू डांस, प्रसादम में पाओ बढ़िया से प्रसाद पाओ, जपा फोर्स करो अपने आप को, जपा कर मन नहीं लगता करो फिर भी करो। तो ये तो धीरे धीरे फिर भाव बनेगा और जीवन में पड़ाव आएंगे, अवश्य आएंगे। अगर हम अड़िग हैं, अगर हम बढ़ रहे हैं तो पड़ाव आएंगे जब हम भक्तों की महिमा को गुणगान करेंगे, कितने कृपालु हैं भगवान के भक्त है? और हमें भगवत धाम की ओर लेके जा रहे हैं, और उनमें परम भक्त कौन है एक साधक के लिए, उसके गुरु महाराज परम भक्त। तो अपने गुरु महाराज के एक साधक को दिन रात ना कभी भी स्मरण छूटना नहीं चाहिए। और दिन रात देखो कोई अपने गुरुदेव के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाजरेशन, हाँ अति भक्ति में कुछ ऐसा नहीं है कि तुम हम अति गुणगान कर रहे हैं भगवान का। भगवान का कहाँ से अति कर सकते हैं, हम जितना भी गुणगान करें कमी है। भगवान तो इतने असीम कृपालु हैं, असीम गुण में है, हम क्या गुणगान कर सकते हैं। और वैसे ही गुरुदेव का भी ना कोई अति नहीं है, खूब से खूब ग्लोरीफाई करें। और प्रेमी भक्तों का भी उस हिसाब से,
तो उस लाइट में हम देखें, तो इस तरह से उत्साह हमारा बनाए रखें अति आवश्यक है। बिना उत्साह के देखो भक्ति पूरी बर्बाद ही हो जाएगी, रस नहीं आएगा। फिर उत्साह निश्चयात धैर्यात, है ना, निश्चय मतलब क्या, कॉन्फिडेंस ना, कि हाँ भाई वास्तव में नॉट टू गेट शेकन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहा ग्रंथ वितरण करने जा रहे हैं, ग्रंथों का वितरण प्रचार करने जा रहे हैं और हम ही निरुत्साहित हो रहे हैं। सोचो सोचो हम रास्ते में जाके ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं लेकिन हमारा ही मुंह लटका पड़ा है, कोई आएगा हमसे बुक लेने? कोई नहीं आएगा। और अगर हम ऐसा सोचे ना कि मैं ऐसा विक्टिम वाला फेस बना के रखूं कि ओ आई एम सच अ विक्टिम, आई एम अ पुअर सोल, मेरे को धूप में या ठंड में खड़ा करके एक जैसा ना बेबस लाचार, तो कोई आके रहम कर दो, कोई आके कृपा कर दो, भागवत गीता ले लो मेरे से और लक्ष्मी दे दो मेरे को, ऐसे बात नहीं बनती है। और सामने वाले भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं, लोग भी देखते हैं कि ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामा कर रहा है, या इसका तो फालतू का खड़ा ही है, इसका है ही नहीं। तो इस हिसाब से नहीं, अगर हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है और समझो हम जाएं ग्रंथ वितरण करने, तो सामने वाला आएगा हमें प्रश्न करेगा, वो खुद ही हमें नास्तिक बना देगा या और कंफ्यूज कर देगा ना। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए भगवान पे, खूब कॉन्फिडेंस। पढ़ा ना अभी तात्पर्य में निखिल ने पढ़ा ना क्या, अवश्य अवश्य राखी वे कृष्णा, कि भगवान वास्तव में हमारी, हम सभी को, हम सबको संभाल के रखा है ना, रखे है ना भगवान ने, सभी को रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं एकदम से। तो अवश्य राखी वो कृष्णा, है ना, तो ये कि भगवान हमारी पूरी देखभाल कर रहे हैं सब कुछ, पूरा कॉन्फिडेंस हो, एक संबंध की बात है। और भगवान के साथ ना लाइकिंग और इत्यादि तो ठीक है, एक ट्रस्ट, जीवन में एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, एक ट्रस्ट उत्पन्न होना भगवान के प्रति हमारा ट्रस्ट। और अगर हम भगवान हम पे ट्रस्ट करने लग जाए, सोचो क्या बात होगी वो, कि भगवान हम पे ट्रस्ट करे। भगवान ने अर्जुन पे किया ना ट्रस्ट, अर्जुन ने बोला ना मैं करूंगा आप जो कहा चाहते हो, ठीक है, और भगवान ने किया ना ट्रस्ट। तो वैसे ही हम भी, हम सबको दीक्षा की ओर तैयार करना है ना अपने आप को, दीक्षा की ओर। तो दीक्षा की ओर जब तैयार करेंगे, दीक्षित होंगे, तो क्या फिर भगवान के ट्रस्ट के सर्कल में आएंगे, फिर और ट्रेनिंग मिलेगी ऑफिशियल फॉर्मल प्रॉपर, और ट्रस्ट के सर्कल में आएंगे हम, और फिर हमारा खूब मनोभाव ट्रस्ट इस हिसाब से बढ़ना चाहिए, भगवत प्रेम प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, भगवत प्रेम प्राप्ति की ओर। तो ये कॉन्फिडेंस, अब ये कॉन्फिडेंस जैसे इस उदाहरण में भी दिया ना, समझो एक लड़का लड़की है, पति पत्नी बनते हैं वो, है ना, तो क्या एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, शादी हो रही है। अब सोचो शादी हो रही है और निरुत्साहित है, कैसे जी बात बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो उत्साहित होके, और फिर कोई क्या, पत्नी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ भाई पति मेरा रखेगा, ध्यान रखेगा, पत्नी पति को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ पत्नी सेवा करेगी, पति ध्यान रखेगा, इत्यादि ऐसे करके। और पेशेंस, धैर्य, जैसे बात करी ना, उत्साह होना चाहिए लेकिन अधीर नहीं, इम्पेशेंट नहीं, बेचैन नहीं, व्यग्र जरूर। देखो प्रार्थना में उत्कंठा नहीं होगी ना, ईगरनेस, तो वो प्रार्थना नहीं है। ईगरनेस अति आवश्यक है, ये उत्साह अति आवश्यक है, एंथुसियाज्म, एक डेस्परेशन, भगवान को डेस्परेशन बहुत पसंद है, कि वो मेरे लिए इतना मरता है, वो मेरे लिए इतना मर रहा है, इतना तड़प रहा है मेरे लिए, मेरे दर्शन की, मेरी सेवा के लिए, मेरे संग के लिए, है ना, मेरे प्रेमी भक्त का संग पाने के लिए वो पागल हो रहा है, वो ललायत हो रहा है, वो तड़प रहा है। ये तड़पन ही भगवान को हमें दिलाएगी, ये उत्साही है ना, ये ऐसा व्यग्र होना, ऐसी तड़प होना। देखो हम सबको जीवन में हुआ होगा, भारत में अनेकों लोग क्रिकेट का बहुत शौक है, अब समझो कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है, और क्या भारत पाकिस्तान का मैच है, कितनी तड़प हो जाती है ना, भारत पाकिस्तान का मैच है और मेरे को ट्यूशन जाना ही है, सर ने बुलाया है या टेस्ट है या क्या है, अब कब
कैसे जाऊं कैसे फटाफट ट्यूशन। अब ट्यूशन खत्म हुआ तो क्या करता है बच्चा, भाग के घर भी नहीं आए भाई, पड़ोस में ही चला गया और वही मैच देखने लग जाए, इतनी तड़प। समझो मेट्रो में जा रहे हैं और मैच देखना है, अब भाई फटाफट कब आए, तो ऐसी बेचैनी ऐसा तड़प। हम सभी को कहीं ना कहीं तो है ना हमारी आसक्ति संसार में, तो वैसा देख सकते हैं ना, जो संसार में जिसका लोभ हो क्रिकेट के प्रति किसी के प्रति, तो अब उसको उस पूरा नहीं हो रहा तो बहुत बेचैनी हो जाती है ना, बहुत तड़प हो जाती है, और उस लोभ को पूरा करने के लिए वो किस हद तक भी चले जाते हैं ना लोग, अपने लोभ को सिद्ध करने। तो लोभ ऐसी चीज है ना, कोई व्यक्ति लोभी होगा ना तो गुस्सा भी अपना पी लेगा वो उस लोभ के चलते, है कि नहीं। अभी कोई लोभी है जिसको समझो रुपये का पड़ा है, बहुत लोभ है बिजनेस में, रुपये का लोभ है, अब उसको कोई सामने वाला गाली भी दे देता है ना तो भी वो उस गाली को पी लेगा अपने बिजनेस के लोभ के लिए, अपने पैसे के लोभ के लिए। और लोभी है खूब, लेकिन उसमें समझो लस्ट को भी वो पी लेगा, जो उसका लस्ट भी है ना काम वासना, उसको भी वो पी लेगा अपना लोभ को बचाने के लिए। तो वैसे ही हम भी भगवान के दर्शन के लिए लोभी बने, भगवान की सेवा के लिए, वो भगवत सुख के लिए, वो जीवन में वो चिन्मय सुख के लिए, उसके लिए हम लोभी बने खूब। भगवान से तो मिला ही है ना, देखो हम सभी को अनंत काल से मिला है, खूब मिलना है। बोल दो हम अपने कर्म का ही खाते हैं, भाग्य का ही खाते हैं इत्यादि सब कुछ, लेकिन उसमें भी भगवान कितने फेयर है, मोर देन फेयर है। तो भगवान तो सभी कुछ दे रहे हैं, अब हम भगवान के दर्शन के लिए ललाई। तो अभी तक हम सब जगह देखो हम डेस्परेट तो बने ना अभी तक संसार में हर चीजों के लिए, लेकिन आज तक भगवान के लिए डेस्परेट नहीं बने। तो ये डेस्परेशन भगवान के लिए उत्पन्न करनी है। तो ये उत्साह और ये क्या कॉन्फिडेंस और पेशेंस, अब तीनों चाहिए, एक से बात नहीं बनेगी। हम उत्साहित खूब है लेकिन कॉन्फिडेंट और पेशेंट नहीं है, समझो। उत्साहित खूब है, ऊपर नीचे नाच रहे एकदम, लेकिन कॉन्फिडेंस पेशेंस नहीं है। अब समझो उत्साह है कॉन्फिडेंस है पेशेंस नहीं है, बात नहीं बनेगी कि खूब। अब भगवान समझो हम खूब उत्साहित है और खूब कॉन्फिडेंट है, भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे, दिव्य धाम में प्रवेश होगा ही होगा, लेकिन हम पेशेंस नहीं है। भगवान चाहते हैं 10 साल बाद, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं हो, सोचो तो क्या गड़बड़ होगी ना फिर। फिर क्या उत्साह वैसे ही नीचे भी छूट जाएगा अगर पेशेंस नहीं है तो, उत्साहित होंगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सस्टेनेंस अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। जपा करना और फिर अपने आप को सस्टेन करना, बहुत पीड़ा भी होगी, भगवान दर्शन नहीं हो रहे, नहीं मिल रहे आपके, और ये पीड़ा भी सुखदायक है, ये आनंददायक है। हुआ ना ब्रजवासियों को, भगवान बोल के गए ना बस अभी आ रहा हूं, पक्का आऊंगा, मथुरा में थोड़ा सा काम है निपटा के आता हूं, आ ही रहा हूं पक्का। अब देखो उनका, गोपियों का विशेष करके, ब्रजवासियों का और उसमें भी विशेष करके गोपियों का पेशेंस देखो, उनका उत्साह देखो, उत्साह उनका नीचा हुआ क्या, थमा क्या, एकदम भी नहीं। वो फिर भी अपने आप को श्रृंगार करके रखती थी, सजा सवार के सब कुछ, किस लिए कि भगवान आएंगे, कृष्णा आएगा बोला है ना उसने, आएगा, क्या पता आज आ जाए, कैसे आज अगर आ गया कृष्णा और वो देखे मेरे को मैं निरुत्साहित हूँ तो कृष्णा दुखी होगा ना। आज आ गया और कृष्णा देखे कि मैंने अच्छे से सुंदर नहीं लग रही हूँ, दुखी होगा ना कृष्णा। तो वो फिर भी रोज सुंदर होके रह रही, और कृष्णा के आगे कभी कंप्लेन या रोया नहीं, कुछ नहीं बोला कि नहीं दुख हो जाएगा ना कृष्ण को, दुख हो जाएगा मत बोलो ऐसा। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, उद्धव जी आए, बलराम जी आए, है ना, लेकिन कुछ बोला नहीं। उद्धव जी आए भाई, क्या पता उद्धव फिर कृष्ण को बोले और दुखी हो जाएगा ना कृष्ण, दुख पहुंचेगा उसको, नहीं, छोटा बच्चा है ना, इतनी समझ नहीं है उसमें,
व्यवहारिक जीवन की समझ नहीं है उसमें, तो कोई ताना मत मार देना उसको कि भाई अब तू राजा बन गया ये वो, उसको कष्ट हो जाएगा, क्या पता वो होगा, वो कोई अड़चन में ही है, फंस गया किसी काम से, आएगा वो। तो ये ऐसा भाव उत्साह बनाए रखें पूरे के पूरे ब्रजवासी सब, यहाँ तक कि गाय, मोर, वृक्ष, है ना, फल, सब उत्साह में कि आएगा कृष्ण, आ जाएगा, आ जाएगा। और कॉन्फिडेंटली, यस, और पेशेंस रखे रखे, है? किसी ने प्राण नहीं त्यागे, किसी ने भी। हम संसार में क्या देखते हैं ना, लड़का लड़की को प्रेम करता है, लेकिन लड़की की शादी कहीं और हो रही है, समझो लड़की अब नहीं करती, समझो एक टाइम में करती होगी प्रेम, फिर अब नहीं करती है, अब लड़की की शादी कहीं और हो रही है। तो लड़का बोलता है ना कि देख तुम मेरे से शादी नहीं कर रही हो ना, जाओ तुम वहां शादी करो, शादी के साथ साथ ही तुम्हें सूचना मिलेगी, न्यूज मिलेगी, मैसेज आएगा, मैं सुसाइड कर रहा हूं, मैं अपने आप को छुरी काट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, है ना, मैं अपने आप में आग लगा रहा हूँ। तो ये प्रेम थोड़ी ना है, ये प्रेम थोड़ी ना, इससे सामने वाला दुखी होता है, सब दुखी होते हैं ना, ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है, ये है लस्ट, ये स्वार्थ है कि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। कहीं ऐसा कर देते ना, शादी के दिन जाके हंगामा मचा देते ना, एसिड फेंक दूंगा, आग जला दूंगा, तुम्हें उठा के भगा ले जाऊंगा, तुम मेरी ही हो, केवल मेरी ही, और किसी की नहीं होगी। ये प्रेम थोड़ी है, ये तो जबरदस्ती है, ये तो काम है पूरा, खुद का ही स्वार्थ, खुद का ही फितूर चढ़ा हुआ है, मेरे मेरे मैं मेरा भरा पड़ा है। लेकिन ऐसा ब्रजवासियों का नहीं, एकदम भी नहीं, कि भगवान तुम नहीं आ रहे हो तो जाओ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, किसी ने एक बार भी ब्रजवासियों ने ब्लैकमेल नहीं किया भगवान को, है ना, ब्लैकमेल होता ना कि देख लो आ जाओ, वरना वरना देखो कृष्ण तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, वरना मैं जा रही हूँ यमुना में कूदने, मैं जा रही हूँ, कूद जाऊंगी यमुना में, नहीं बोला उन्होंने ऐसा, कुछ नहीं किया, अपने आप को संभाले रखा। नंद बाबा यशोदा मैया को संभाल रहे हैं, यशोदा मैया नंद बाबा को संभाल रहे, सोचो क्या उनके हृदय का भाव, क्या ना माँ बाप के हृदय का भाव, कृष्ण बलराम नहीं है अभी द्वार। लेकिन ये देखो, ये बाहरी एक्सटर्नली पीड़ा है, एक्सटर्नली इतनी पेनफुल होते हुए भी ये इंटरनली जॉय गिविंग है, फुल इंटरनली इतना सुख, इतना इतना सुख अनुभव होगा, आध्यात्मिक सुख, क्यों, भगवान के चिंतन है ना इसमें इन्वॉल्व, कृष्ण के सुख का चिंतन है ना इसमें इन्वॉल्व। तो एक्सटर्नली भले लगे कि नंद यशोदा ब्रजवासी सखा गाय तक गोपियां सब एकदम कितना पेन सह रहे, कितना पेन सेपरेशन में, कितना बड़ा पेन ना, मिलन में क्या पेन है, नहीं मिलन में तो आनंद है, लेकिन एक्सटर्नली लगता है कि ब्रजवासी देखो कितना पेन सह रहे, और ऐसा लग सकता है ना कि भगवान देखो आप कितने क्रूर हो, आप भी छोड़ छाड़ के आ जाते द्वारका, क्या इतना बढ़ा रहे हो द्वारका में, कितने क्रूर हो भगवान, आपको दिख नहीं रहा है सब, नहीं। और ऐसे नहीं है कि भगवान भी कोई सुखी है द्वारका में अंगूर खा रहे हैं जैसे बैठ के, ना, भगवान को भी पूरी पीड़ा, लेकिन ये भगवान उनकी भक्ति दिखा रहे हैं, देखो हमें सिखा रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है, ये ना प्रेम की क्या परिभाषा है, ये जाननी हो तो गोपियों का चरित्र हम पढ़े, गोपियों का चरित्र हम समझे तो समझ में आएगा प्रेम की क्या परिभाषा है, प्रेम की पराकाष्ठा है गोपियां, प्रेम को भी मात दे देती है, प्रेम की सीमा का भी पार कर देती हैं, वो है गोपियां, ऐसा प्रेम, ऐसा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, जो प्रणति करी ना गोपियों ने, गोपी गीत में गा के भगवान को खरीद लिया, उस गीत में पूरा का पूरा खरीद लिया गोपियों ने, उस प्रणति में, उस भाव में।
तो ये पेशेंस अधीर नहीं, बेचैन नहीं, और ना ही ताना कसना, ना ही गाली देना, ना ही कोसना, ना ही ब्लैकमेल करना, ये सब कोई शोभा नहीं है, ये शोभा नहीं देता एक साधक को। हम किसके, हम प्रेम के भिखारी है ना, भगवान का प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम में ताना कसना ये तो स्वार्थ की बात है ना, प्रेम में कोसना ये तो स्वार्थ की बात है, हमारा काम नहीं हो रहा तो हम कोस रहे हैं, ताना कस रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ठाकुर जी हमें इस जन्म में दर्शन नहीं दे समझिए, 10 जन्म बाद दर्शन देना चाहे, वही उनकी इच्छा है तो ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा, श्री शिखोरंतर मायापुर शशि की इच्छा, ये ठाकुर का प्रेरोगेटिव है, ये ठाकुर जी का प्रेरोगेटिव है, दैट इज हिज, एंड इफ दैट मेक्स हिम मोस्ट हैप्पी, ओके भगवान ठीक है, हम फिर भी आपको पीछे तो नहीं छोड़ेंगे भगवान। वो और ठाकुर जी हमारा भाव देख के ही, वाई नॉट 10 जन्म में दर्शन देना भगवान, इसी जन्म में हमें भगवत धाम प्राप्ति करा देंगे, इसी जन्म में अपना दिव्य सेवा देंगे, इसी जन्म में हमें अनुगत्य देंगे आचार्यों का, गुरुदेव का, दिव्य धाम में दे सकते हैं हमारा भाव। देखिए ये कृष्णा भावनामृत ऐसी है ना, ये सब कुछ बदल देगी एकदम से। संसार में तो हम कर्म और भाग्य में बंधे पड़े, कोई आदमी कुछ इतना बदल नहीं सकता, जिसको जब जहां जाना है जाना है, जिसको जहां आना है आना है ना, सब लिखा हुआ है फिक्स एक प्रकार से। लेकिन ये भगवत भजन से, भगवत भक्ति से, भगवान क्या विधाता के भी विधाता है ना, ब्रह्मा जी के भी मालिक है ना भगवान, तो ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा हो क्या, अगला जन्म लिख दिया हो ब्रह्मा जी ने, समझो अगला जन्म कहाँ, दिल्ली बम्बई में। लेकिन भगवत भजन से भगवान हमें कहा, गोपी का गोपी ग्रह में अगला जन्म में हमें जन्म दे सकते ना, किसी गोपी के घर में हमें शिशु रूप में जन्म हो सकता है हमारा, उस भाव को प्राप्त करने की बात है। तो उस भाव को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, उत्साह चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, नाम जप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आता है ना वो क्या एडवर्टाइजमेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कॉन्फिडेंस मतलब क्या, विश्वास ना, तो कैसे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम जब अध्ययन करेंगे, साधु संघ में श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, तो अपने आप विश्वास बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एंथुसियाज्म और पेशेंस। जैसे उदाहरण दिया ना पति पत्नी, ठीक है विवाह हो गया अब उनका, अब पत्नी बोले कि नहीं मेरे को संतान चाहिए, संतान चाहिए, माँ बनने का सुख दो मेरे को, मैं माँ बनने का सुख चाहती हूँ, बच्चा पालने का सुख चाहती हूँ। वो भाई पति पत्नी ना, नहीं समय की बात है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तुम वो सुख भी भोगोगे, अनुभव करोगे, बट तो ये उत्तेजित अधीर नहीं होना है, हमें उत्साह रखना है, इम्पेशेंस नहीं होना है, एंड वी हैव टू टॉलरेट, वी हैव टू टॉलरेट आवर इनटॉलरेंस। हमें अपने आप को ही समझाना है, इस जैसे ना एजुकेशन किसको चाहिए, किसी और को नहीं, मेरे को ही चाहिए, ये ज्ञान ये विवेक किसको चाहिए, बहन को बाद में, भाई को बाद में, माँ बाप को बाद में, पड़ोसी को बाद में, भक्त किसको बनना है, मेरे को ही बनना है, बच्चों को इत्यादि वो तो बोनस है, अगर बन गए मेरे थ्रू, मेरी कोई प्रेरणा लेते हुए पति पत्नी है ना, माँ बाप बन गए भक्त, तो वो तो डबल कृपा है भगवान की। लेकिन सर्वप्रथम तो भक्त मेरे को ही बनना, तो शिक्षा ये सब किसके लिए, मेरे लिए, उत्साह किसको होना, मेरे को, कॉन्फिडेंस किसको, मेरे को, पेशेंस किसको, मेरे को। बिल्वा मंगल ठाकुर जी की प्रार्थना है ना कृष्ण करुणामृत में, हम देखते हैं ना, कहते हैं ना कि देखो कृष्णा तुम दर्शन नहीं दे रहे हो, ठीक है भाई स्वच्छंद हो तुम सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, मत दो मर्जी तुम्हारी, तुम दर्शन नहीं दे रहे हो कृष्णा, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी जान लो तुम मेरे हृदय से तुम जा भी नहीं सकते, तुम मेरे आंखों के आगे नहीं आ रहे हो,
लेकिन मैं तुम्हें अपने हृदय के से जाने भी नहीं दूंगा। पकड़ के रख लिया तुम्हें पूरा हृदय में, अब कैसे छूट के बताओ, यहाँ से छूट के बताओ तो बताओ। तो ये उत्साह की बात है ना, ये कॉन्फिडेंस की बात है। और पेशेंस तीनों ही चाहिए। अब केवल पेशेंस है, सोचो है? सोचो केवल पेशेंस है लेकिन हम उत्साहित नहीं है। सोचो पेशेंस है और कॉन्फिडेंस है क्या? ओह आई एम वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम, वेरी पेशेंट पर्सन। कई होते हैं ना ऐसे ही नेचुरली काम, आई एम वेरी काम रिलैक्स्ड पेशेंट पर्सन। यस एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, नाम जप किया है मैंने, जपक में बहुत सुख आता है भाई, गजब दिव्य, ऐसा अनुभव और कभी नहीं हुआ। पेशेंस भी खूब है, धैर्य खूब है, लेकिन उत्साह नहीं है भगवान के दर्शन के लिए, दिव्य धाम भगवान की सेवा के लिए, अंतरंग प्रेमी बनने के लिए, उस अंतरंगा में व्यवहार में आने के लिए, गोलोक वृंदावन पाने के लिए, उसमें उत्साह नहीं है। ठीक है, मिल गया ग्रेट, नहीं मिला ओके फाइन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा नहीं बाबा। आई एम वेरी पेशेंट, ओके कृष्णा आप देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो नहीं दो, आई एम इंडिफरेंट। अभी हम भगवान को ऐसा बोले आई एम इंडिफरेंट, आई एम वेरी पेशेंस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड इंडिफरेंट, नहीं बाबा हो मिस मैच है ना। भगवान कहेंगे भाई तुम इंडिफरेंट हो, तुम्हें फिर मेरे को चाहिए नहीं तो क्यों दो। बिना डेस्परेट हुए किसी को दर्शन नहीं हुए कृष्ण के, किसी को नहीं हुए, बिना पेशेंस हुए किसी को दर्शन नहीं हुए भगवान के, बिना कॉन्फिडेंट के किसी को नहीं। तो ये मस्ट है, अगर हमें भगवान की दर्शन, भगवान की सेवा, वो भक्ति का सुख, हमें हमारा ही वास्तव में पहचान, वास्तव में आइडेंटिटी। ये शारीरिक आइडेंटिटी थोड़ी हमारी वास्तव आइडेंटिटी है, ये सब तो पल दो पल का आइडेंटिटी है ना। क्या वो गाना ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी क्या है? सुना है गाना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, मतलब 2 मिनट फेम वही है, पल दो पल मेरी जवानी है ना। यूथ भी कितना पल दो पल का, कितना यूथ है बताओ। कोई स्त्री की सुंदरता, उसकी कमर इत्यादि सुंदरता कितनी कितनी दिन की टिकती है, ऐश्वर्या राय हो या सुष्मिता सेन हो, जो कितनी है। और किसी के यूथ का स्ट्रेंथ वाइटलिटी जो भी कितनी है ना जवानी। तो ये तो हमारे संसार में पल दो पल की आइडेंटिटी, क्योंकि कोई वास्तविक आइडेंटिटी थोड़ी ना, ये तो शरीर की उपाधि ग्रस्त आइडेंटिटी है। ये नाम किसका है, ये शरीर का ना, अनुजा निखिल इत्यादि कार्तिक, ये सब शरीर का नाम है। आत्मा का तो भगवत संबंधी भगवत सेवा के अनुसार है, ऐसा नहीं आत्मा का नाम नहीं है, पहचान नहीं है। तो ये तो शरीर की उपाधि ग्रस्त बात है, लेकिन अब हम अपने चिन्मय स्वरूप का चिंतन करें, और चिन्मय स्वरूप के अंतर्गत चिन्मय रूप का चिंतन करें, चिन्मय सेवा का चिंतन करें, और उसके लिए खूब उत्साहित रहें। यस भगवान के दर्शन वी वांट, आज रात ही वी डिजायर। अभी नहीं मिले तो फोर्स नहीं करना है, थोपना नहीं है। देखो देखते ना हम संसार में भी कोई अपने आप को थोपता है किसी के ऊपर, अच्छा नहीं लगता ना, भले पति पत्नी हो माँ बाप हो। आज हम भी अपने माँ बाप के ऊपर अपने आप को थोपे, नहीं पापा करो ये, मम्मी करो ये, जबरदस्ती थोप रहे हैं, तो थोपने से नहीं अच्छा लगता। चलो ड्यूटी बाउंड ठीक है कर देते हैं, लेकिन वो हृदय का संपर्क नहीं बनता है। तो थोपना नहीं है हमें अपने आप को भगवान पे, लेकिन यस वी वॉन्ट यू कृष्णा, वी आर डाइंग फॉर यू, we are dying for you, we cannot, we are unable to sustain ourselves without you, aisa hal aur aisa anubhav hua hoga. samjho koi din shopping karne ja rahe ho, dukan band ho rahi hai, ek ghanta tum late pahunche ho aur dukan band ho rahi hai, saadi ki dukan,
सलवार सूट की दुकान, गहने की दुकान, रोना आ जाएगा ना, पूरा रोना आ जाता है ना। डांस क्लास जा रहे हैं, सीडी नहीं चल रहा है, म्यूजिक नहीं चल रहा है, रोना आ जाता ना, इत्यादि। उसी तरह से वो खलना चाहिए हमें, भगवान की कमी खलनी चाहिए। देखो हम क्या चाहते हैं, भगवान में हमारा भाव बने ना। ये सूत्र क्या है भाव बनने का, जब भगवान में अभाव हमारा महसूस होगा ना हमें, तभी जाके भाव बनेगा भगवान के प्रति। अभाव का मतलब क्या हुआ, अभाव मतलब कमी, कि भगवान आपके दर्शन तो हुए ही नहीं है, कितनी बड़ी कमी, कितना बड़ा गैप, कितना बड़ा होल है जीवन में। वृंदावन धाम के दर्शन नहीं हुए, आपके दर्शन नहीं हुए, आपके परिकरों के दर्शन नहीं हुए, उस दिव्य राज्य में, प्रेम राज्य में प्रवेश हुआ ही नहीं है। तो ये अभाव खलना चाहिए, खूब हमें सताना चाहिए, हमें रात की नींद उड़ जानी चाहिए हमारी। वास्तव में बोलते ना संसार में लोग, ओ बैराग उत्पन्न हो गया, बैराग क्या क्या बैराग उत्पन्न हुआ हमें, हुआ क्या कुछ बैराग? घर परिवार वाले बोल देते ना, अरे ये तो पूरा बैरागी बन गया है ना, इतनी माला करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, दिन भर हरे रामा हरे कृष्णा जपते रहता है। ये भगवान का भाव, भगवान में भाव उत्पन्न होना, भगवान का अभाव खलना, भगवान का अभाव महसूस होना, यही हमें भाव, यही भाव की स्थिति है, यही भाव की स्थिति है कि कमी खलनी चाहिए। रात की नींद उड़ जाती है ना लोगों की, सोचो है कि नहीं, जिसको क्रिकेट का शौक है। देखो अब क्या समझो, ग्वालियर आपके शहर में ही, ग्वालियर में समझो, या समझो है ना कि अगले दिन, कल के दिन सुबह भारत पाकिस्तान का मैच होना है। अब ग्वालियर में सुबह आपने टिकट खरीद रखी हमने स्टेडियम में जाने के लिए, हाँ, और रात को हम तैयारी करते ना, टाइम से सो जाएंगे भाई, हाँ, और सब ठीक हो भाई, अगले दिन कोई पुलिस प्रॉब्लम नहीं हो, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं हो, सुबह जल्दी उठ के, एक उस दिन उठने के लिए कोई मम्मी को बोलना नहीं पड़ेगा ना, उठ जाएंगे हम टाइम से, नहा धो के चल जाएंगे। अब सोचो रात को बारिश हुई, खूब खूब बारिश हुई, कि सुबह क्या देख रहे हैं, मैदान गीला है भाई, मैच नहीं हो पाएगा, कितना खलेगा ना मैं, कितना खलेगा, टिकट खरीदी है, धोनी को देखना है, कोहली को देखना है, हाँ? मैच देखना है, शहर में हो रहा है हमारा, जाके देखना है, टिकट खरीदी है, लेकिन नहीं भाई। तो वो कितना हमें तड़पेगा, हम रोएंगे कि नहीं रोएंगे बताओ, रोएंगे ना, रात की नींद उड़ जाएगी। अब समझो उस मैच को पोस्टपोन भी कर दिया अगर एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, कि भाई ये बारिश के कारण स्थगित हो गया, दो दिन बाद होगा। अब दो दिन तक हम करेंगे ना, ध्यान जाएगा ना हमारा कि भाई बारिश नहीं हो, रात की नींद हराम होगी कि नहीं होगी हमारी, उड़ेगी ना। तो वैसा होना चाहिए हमारा सुदबुद्ध, हमारा दिमाग एकदम वो हो जाए। लेकिन ये जो देखो भगवान की कमी, भगवान के दर्शन की कमी में जो दुख अनुभव करेंगे ना, वो दिव्य सुख है, वो दिव्य सुख है। ब्रजवासियों ने, गोपियों ने जो भगवान के विरह में सुख दुख को अनुभव किया ना, जो दुख की पीड़ा में वो जले हैं, तपे हैं, वो दिव्य सुख है वास्तव में। क्यों, उसमें क्या है ना, देखिए ये कितनी बड़ी, ये विरह का कितना बड़ा सुख है। देखो विरह मतलब सेपरेशन, मिलन में क्या है, मिलन में तो कृष्ण सामने है, मिलन हुआ भगवान के साथ है ना, ये गोपियों का भाव है, हमारा नहीं, हमारा तो सेवा का भाव है, अनुगत्य का भाव है। मतलब हमारा क्या, हमारा भाव कैसे ना, हम तटस्थ शक्ति हैं, तो हमारा भाव ऐसा, हमारा स्वरूप, हमारा पोजीशन ऐसी है क्या, राधा कृष्ण को मिलाना, वही हमारा रोल है, वही होना चाहिए।
राधा कृष्ण को मिलाना। हमें कोई एकाकी ये नहीं है कि हम कृष्ण के साथ डायरेक्ट जाके मिले और करें, ना। हमारा पूरा का पूरा फोकस ये कि कैसे हम युगल सरकार को मिलाएं। अब देखिए, गोपियां जब विरह में थी भगवान के, तो मिलन का तो सुख ठीक है, मिलन में भगवान मिले, सामने आए, उन्होंने प्रेम विहार किया, ना, रास किया, इत्यादि निकुंजों में लीला करी, विहार किया, ठीक है, भगवान सामने। लेकिन विरह में देखिए, विरह में पूरा जग उनको कृष्ण में लगता है। विरह में उनको वृक्ष पेड़ भी कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण का ही ध्यान आता है। पेड़ को देख लो तो, कि इस पेड़ के नीचे बैठ के हमने कृष्ण के साथ बातें करी थी, कृष्ण का ध्यान आ गया वो पेड़ देख के। पेड़ से छूटो तो कुछ और देख लिया, पक्षी को देख लिया, मोर को देख लिया, तो कृष्ण का ध्यान आ गया। यमुना जी को देखा तो कृष्ण का ध्यान आया। कहीं पे भी देखो कृष्ण का ध्यान आया, आंखें बंद कर लो तो कृष्ण का ध्यान। ये विरह की बात है ना, ये सेपरेशन की बात है। सेपरेशन में चारों ओर बस कोई धुन सुनाई दी, कृष्ण का ध्यान आया। कुछ कुछ भी देखा, कृष्ण का ध्यान आया। आग देखा, कृष्ण का ध्यान आया, कैसे भगवान ने आग से रक्षा करी, कृष्ण का ध्यान आया। पानी देखा, कृष्ण का ध्यान आया। हवा देखा, कृष्ण का, कैसे तृणाव्रत आया था। कुछ भी महसूस हुआ, किसी ने छुआ, देखा, किया, ये पूरी चित्त वृत्ति विरह में क्या ना, सब जगह ढूंढ रहे ना कृष्ण को, तो पूरा एब्जॉर्प्शन कृष्ण में आ गया। जब सेपरेशन में, मिलन में तो पेड़ है, ठीक है, कृष्ण एक जगह पे ना, ये रहा कृष्ण देखो। लेकिन विरह में सब जगह ही भगवान के दर्शन होने लगते हैं। तो ये विरह खलना चाहिए हमें, और इसके लिए बताऊं कोई समय सीमा नहीं है, कोई आयु की बात नहीं है कि भाई मैं तो अभी 2 साल से ही कर रही हूँ भक्ति, तो अभी तो भक्ति शास्त्री भी नहीं करी है, ये करना वो करना, अभी नहीं प्रभु जी, अभी 10 साल के बाद ऐसा होता है, शुरू के 10 साल में कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो प्रेम और ये जो दिव्यता की बात नहीं है ना, बात है ना, ये किसी भी मेटीरियल कैलकुलेशन से परे है। तो कोई मेटीरियल कैलकुलेशन नहीं है भाव को आने में, क्या कोई मेटीरियल कैलकुलेशन है, क्या कोई स्टेटिस्टिक्स थोड़ी ना, कोई वो एल्गोरिथम थोड़ी ना कि भाई ये फॉर्मूला लगाओ और देखो ऐसे ये कैलकुलेट प्रोजेक्ट कर लिया हमने, आप 10 साल से इस रेट में 10 साल से ऐसे भक्ति करो तब जाके आपका भाव आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे खुद के ही इच्छा की बात है, और इच्छा भी कैसे बनती है, साधु संग में। कितने हम खुद कितने व्यग्र हैं भगवान के दर्शन पाने के लिए। तो ये उत्साह, ये धैर्य, ये निश्चय, और क्या उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तो इन उत्साह के साथ हमारे कर्म क्या है, भक्ति भजन, यही ना, भगवान का नाम जप। नाम जप क्या, पुकार है, पुकार है। देखो किसी का नाम हम कब बुलाते हैं, जब उसको देखना होता है तब बुलाते हैं ना नाम, लेकिन इधर आओ, उसको देखना होता है या उसको सुनना होता है तो नाम बोलते हैं ना भाई, तभी वो रेस्पोंड करेगा, सुनेगा, मतलब हमें उससे कुछ बात करनी है, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ है ना हमारा संबंध इत्यादि। तो भगवान का हम नाम जप करें किस लिए, कि भाई भगवान सुनो ना? भगवान दर्शन दो, भगवान कुछ वार्तालाप करो, उसके लिए संबंध के लिए ना, प्रेम में संबंध के लिए। तो ये युगल मंत्र है, ये हरे कृष्णा मंत्र है ना, युगल मंत्र है ये। ऐसा नहीं हम कृष्णा को बुला रहे हैं, हम राधा कृष्णा को बुला रहे हैं, है ना। हमारा कोई एकाकी कृष्ण से संबंध नहीं है, जब भी हम कृष्ण बोले श्रीमती राधा रानी इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट ऑटो, और इनफैक्ट महाप्रभु तो हमें राधा दास्यम ही देने आए, वो एक जीव के लिए वो टॉप मोस्ट पोजीशन है, टॉप मोस्ट प्रोमोशन समझो, टॉप मोस्ट उसकी एलिवेशन समझो, और ये पोटेंशियल है हम सब में। तो तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् है ना, कर्म मतलब क्या, यही भक्ति के अंगों को अंगीकार करना। तो उत्साह रखते हुए, कॉन्फिडेंट होते हुए, पेशेंस रखते हुए हम साधना क्रम में आगे बढ़े,
नाम जप करें, श्रवण कीर्तन करें, स्मरण करें, और क्या संगो त्यागात सतो व्रते। देखो अटैचमेंट, आसक्ति पानी है ना भगवान में, आसक्ति ऐसी चीज है जो एक ही साथ दो विपरीत वस्तुओं में हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, है ना। दो विपरीत वस्तु क्या, जैसे एक वही स्पोर्ट्स और एक कृष्णा भावनामृत। अब दो विपरीत वस्तु है ना, स्पोर्ट्स का एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड का, पॉलिटिक्स का एंटरटेनमेंट, ये सब, और कृष्णा भावना। एक तरफ क्या, संसारी बातें करना, चुगली करना ना, संसारी बात ही है, लड़कियों की बातें करना, व्यापार की, पैसों की बातें करना, ये सब बातें, और दूसरी तरफ कृष्णा भावनामृत में आसक्त। तो एक साथ व्यक्ति माया में और राम में आसक्त हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये संगो त्यागात सतो व्रेते, तो अगर हम उत्साह, निश्चय और धैर्य से भजन में जुड़े हैं, नाम जप इत्यादि साधु संग में कर रहे हैं, तो हमारा संग छूटेगा ही छूटेगा, छोड़ना ही चाहेंगे उसको, छोड़ना ही है असत संग को। पढ़ा ना अनुजाने तात्पर्य में क्या, असत संग छाड़ी यही वैष्णवाचार। महाप्रभु को पूछते हैं कि वैष्णव की क्या परिभाषा है, क्या फीचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक, हु इज अ वैष्णव, कैसे समझे, जिसने असत संग को छोड़ दिया। असत मतलब क्या, टेम्पररी मैटर, वो संसारी, संसार तो असत है ना, उसको जिसने छोड़ दिया। संग मतलब क्या, अटैचमेंट, तो वो अटैचमेंट जिसका छूट गया ना, संसारी अटैचमेंट, वो ही वैष्णव है। ये गुण हमें आना है, इन संसारी भोग वासना तृष्णाओं से उपरांता आनी ही आनी है। इसीलिए ना देखो सेटिस्फेक्शन, जब तक हम संसारी भोग वासना तृष्णा या संसारी कष्टों से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वो वास्तव में जो प्रश्न है ना, कि क्या वो गुण है, क्वालिटी है, जो हम सब प्रे करते हैं भौतिक जीवन में, और कृष्णा भावनामृत में उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वो है संतुष्टि, तृप्ति, संतुष्टि। संसार में हम तृप्त हो गए रहे, आज के डेट से ही तृप्त हो गए भाई हम संसारी में। गाड़ी मिल रही है, नहीं मिल रही है, नाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इत्यादि, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ, अच्छी बात है, कृष्ण की कृपा। तो संसारी आंकलनों से, कैलकुलेशन से तृप्त संतुष्ट हैं, पूरे के पूरे, पूरे संतुष्ट, पूरे तृप्त हैं। और लेकिन भगवान में, भगवान की सेवा में अतृप्ति, भगवान के दर्शन में। अब समझिए, समझे, आज ही हमें भगवान दर्शन देते हैं, ठाकुर जी दर्शन देते हैं, स्वप्न में कुछ हमें निर्देश, दर्शन कुछ करते हैं, तो क्या फिर हम उससे हो गया क्या, हमारा पेट भर जाएगा क्या उससे? नहीं, वो लालसा बनी रहेगी, और भगवान, और अभी तो आए हो, अभी तो दर्शन दियो, अभी मत जाओ, रुको रुको, और तो वो तृष्णा, कृष्णा भावनामृत में तृष्णा बढ़ ही रहनी चाहिए, कभी भी संतुष्टि नहीं आना चाहिए, अतृप्ति लगा रहना चाहिए, और संसार में संतुष्ट होके ही रहना चाहिए हमें। तो ऐसे भाव से करेंगे ना तो सद्भि भक्ति प्रसिद्ध्यति। इस तरह से संसारी लोगों का, संसारी मतलब कर्मियों का ही समझो, उनका संग छोड़ के, कर्मियों के संग में कोई नहीं है, बैट बॉल की बातें, कोविड की बातें, बीजेपी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये सब बातें, और कुछ नहीं है। इनको छोड़ के, इनको त्यागना ही पड़ेगा। देखो इनको त्यागेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है क्या, बताओ? एग्जाम आ रहा है तो बच्चे को बोलते ना, भाई छोड़ दे क्रिकेट देखना, छोड़ दे शॉपिंग या ये करना, है ना, पढ़ाई का ध्यान दे लो अभी। तो उसी तरह से अगर हम संसारी कैलकुलेशन को छोड़ेंगे नहीं तो भगवान को पाएंगे नहीं, असंभव है। अब हम तो साधना क्रम में ना, इतना थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है ना हमें भक्ति से वो सुख, तो उसको पूरे ठेठ भगवान के श्री चरण कमलों में लेके जाना है। तो ये रूपा गोस्वामी जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बी कॉन्फिडेंट, बी पेशेंट, बी एंथुसियास्टिक, तीनों चाहिए, दो से बात नहीं बनेगी, तीनों ही चाहिए साइमल्टेनियसली। और ऐसा कॉन्फिडेंस, पेशेंस, एंथुसियाज्म से
नाम जप करें, कीर्तन करें, साधु संग करें, दर्शन करें, भक्तों का संग करें इसी तरह से, और असत संग को छोड़ें, असत संग को छोड़ें, ऐसे करते हुए फिर हम भक्ति में आगे बढ़े। जो सतोव्रत ना आचार्यों का गुरु गुरुदेव के पद चिन्हों में चले, तो ऐसे करके वो भाव भी हम में आएंगे आएंगे। तो ये भगवान के कमी अनुभव करें हम इस जीवन में, ये एक ही बस अभाव होना चाहिए, भगवान के दर्शन का अभाव, तभी भाव बनेगा भगवान में हमारा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो आपके धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए, संघ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उत्साह वर्धन के लिए। वी मीट अप टुमोरो नेक्स्ट टाइम, और देखते हैं फोर्थ से स्टार्ट करेंगे या जैसे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।